देखिए आप लोगों के सबके मोबाइल में ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसके ऊपर एक ऑप्शन गया होगा, ठीक है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग क्लास का स्टार्ट हो चुका है। ओके, लास्ट दिन हम लोग लॉ का क्लास किए थे, मतलब लास्ट डे से लास्ट से में हम लोग लॉ किए थे, लास्ट दिन इको किए थे, आज लॉ पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ का जो कंटिन्यू चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो लोग आज नया ज्वाइन किए हो मैं उन लोगों को थोड़ा सा रिविजन्स करा दूंगा, ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे का बात भी करेंगे लॉ में। ओके, एक बार मैं पीडीएफ एक बार ले लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। जिनके पास स्टडी मैट नहीं है या फिर जो भी सॉफ्ट कॉपी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनको मैं बाद में शेयर कर दूंगा, या तो आपको मेरे वेबसाइट्स में मिल जाएगा www.ksgsquare.in में, या फिर वहाँ पर जाके अगर आप फ्री नॉलेज रिसोर्स में भी जाओगे ना तो आपको रेलिवेंट जो भी सॉफ्ट कॉपी है जो भी हम लोग क्लास में करेंगे वो सब आपको मिल जाएगा, या फिर अगर बाई चांस वहाँ नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको व्हाट्सअप में भी शेयर कर देंगे। अगर कभी व्हाट्सअप में शेयर करना भूल गए तो फिर आपको वेबसाइट में जाके ksgsquare.in में जाके भी आपको फ्री नॉलेज रिसोर्स में जाके मिल जाएगा, आपको जो भी रेलिवेंट कॉपी से हम लोग सॉफ्ट कॉपी से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हुआ, किसको क्या कहना है? प्लीज म्यूट म्यूट कर दीजिए प्लीज। मेरा क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों से सवाल लूंगा, ठीक है, जब आप लोगों से मैं सवाल लूंगा तब आप लोग सवाल कीजिएगा, तो इसमें क्या होगा ना तो क्लास में जो बीच बीच में इंटरप्शंस होता है वो इंटरप्शंस नहीं होगा, अच्छा रहेगा, क्लास स्मूथली रहेगा। आप लोग एक काम कर सकते हो कि आपके पास कोई भी एक कॉपी रखिए, जो भी सवाल होगा पढ़ाते पढ़ाते जो भी सवाल आपके मन में आएगा प्लीज़ उसको आप कहीं भी राउट डाउन करके रखिए, ठीक है, और क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। स्टोरी बता दूं बिजनेस लॉ रिलेटेड, बिजनेस लॉ में हम लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये बिजनेस लॉ, इसको मार्केंटाइल लॉ भी हम लोग कहते हैं, मैं रोज क्लास में बोलता हूँ आज भी बोलूंगा। मार्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ का जो मेन फंक्शनलिटी है दैट इज कि बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कैसे चलाया जाए। ये जो हम लोग बिजनेस करते हैं ना, नॉट ओनली मतलब लोकल बिजनेस मतलब जो आप लोग अपने घर के सामने देखते हो, ठीक है, वो सब छोटा मोटा बिजनेस है, रिटेल बिजनेस, बट यही रिटेल बिजनेस इंडियन इकोनॉमी का स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब ये लोकल बिजनेस ही इंडियन बिजनेस को बचा के रखा है। अगर आप लोग कल मोदी जी का मतलब अपना प्राइम मिनिस्टर्स का जो ये स्पीच आया था उसमें मोदी जी ने जो भी कहा था, या फिर कल निर्मला सीतारमन जी ने भी अपना फाइनेंस मिनिस्टर, आई होप यू नो, निर्मला सीतारमन जी भी बिजनेस को बचाने के लिए बहुत सारा प्लानिंग किया है। एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज कि गवर्नमेंट अपना जीडीपी का अप्रॉक्स 10%, इंडिया का जो जीडीपी है करीब $3 trillion का जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी, आई होप यू अंडरस्टैंड, $3 trillion का जीडीपी से कम 10% करेंट इंडियन इकोनॉमी को फिर से बचाने के लिए, इंडियन इकोनॉमी का जो ये करेंट जो स्लोनेस आ गया है, नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने लिए क्या कर रहा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो 10% ऑफ द जीडीपी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस लेवल पे, उसमें अमाउंट अप्रॉक्सली 20 लाख करोड़ का, अप्रॉक्सली 20 लाख करोड़ का गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहता है। तो दैट मीन्स आप लोग समझो कि एक बहुत बड़ा मतलब रकम है 20 लाख करोड़, लेकिन ये 20 लाख करोड़ ऐसे नहीं कि एकदम अचानक से दे देगा, सेक्टर वाइज डिवाइड करेगा। जैसे कल मोस्ट प्रोबेबली कल जो डिक्लेरेशन दिया गवर्नमेंट ने उसमें मैं इसके बारे में भी आगे आगे चर्चा करूंगा, बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट, सीएस में बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है,
सीएमए में बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है एंड सीए में बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। सब्जेक्ट्स मोर ओवर एक ही है, लेकिन बस थोड़ा सा टॉपिक वाइज कुछ कुछ जगह में डिफरेंस है, लेकिन मैटर एक ही है। वहाँ पर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट कहाँ कहाँ किस तरह से बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो कल एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में गवर्नमेंट मिनिमम 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें स्पेशली जो लोग लोअर लेवल का बिजनेसमैन है, लोअर लेवल इन द सेंस मतलब छोटा मोटा बिजनेसमैन है, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा बात है कि उनको फिर से मतलब बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए और इंडियन इकोनॉमी को लोकल से ग्लोबल बनाने का एक प्रोसेस गवर्नमेंट ने तय किया। लोकल से ग्लोबल कितना होगा ये सिर्फ गवर्नमेंट पे तो जरूर डिपेंड करता है, लेकिन ये लोकल से ग्लोबल मतलब प्रोडक्ट लोकली रेडी होगा और यही लोकल प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल में पहुंचेगा, ठीक जो काम चाइना ने ऑलरेडी करके दिखाया है, साथ में वायरस भी भेजा है वो अलग बात, लेकिन चाइना ये चीज ऑलरेडी हम लोगों के साथ करके पूरा वर्ल्ड को दिखाया कि किस तरह से लोकल चीज ग्लोबली बिका जा सकता है। हम लोग इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमारे यहाँ पर जो लोकल मेड है ना उसको ना ज़्यादा भरोसा नहीं करते। क्यों? एक तो हम लोग ज़्यादा कुछ ज़्यादा सीखते नहीं है, ठीक है, अगर अच्छे से सीख जाए तो फिर तब ना कुछ कर पाएंगे। एक्चुअली हम लोग का एजुकेशनल सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है, मतलब हम लोग कोई भी चीज़ ना प्रैक्टिकल लेवल में जाके सीखने का पसंद ही नहीं करते, सिर्फ जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। अब मेरे आप लोगों के सामने मैं एक सवाल रखता हूँ कि आप लोग मेरा बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं क्या है ना सच कहने का मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो करंट सिचुएशन हुआ है नॉट ओनली फॉर कॉरपोरेट स्टूडेंट्स और मतलब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, बट ये पूरा का पूरा इंडिया भर में एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जॉब में क्राइसिस तो होगा, क्योंकि करंट लेवल में जो भी बड़ा कंपनी है वो अपना कंपनी को प्रॉफिटेबल रखने के लिए जो लोग पुराने मतलब पहले से है उनको जॉब कट करेगा, सिर्फ जो नेसेसिटी पोजीशंस में है थोड़ा हायर लेवल में है जिनका रहना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कंपनी सिर्फ उसको रखेगा और जो उतना ज़रूरी नहीं है उसको हटा देगा। जैसे कल ही देख रहा था जो लोग 20s में है मतलब रिसेंट जो लोग न्यूली जॉब गेटर्स जो लोग हैं जो लोग जस्ट हाल ही में उनको जॉब मिला है ऐसा संख्या 20 से लेकर 30s के बीच में जो लोग हैं मेनली वही लोग इसी स्टेज में आते हैं उनका करीब करीब 2.7 करोड़ का जॉब चला गया सिर्फ अप्रैल महीने में। ऑनली 2020 का अप्रैल में ही ढाई करोड़ से ऊपर जॉब चला गया। सर नेगेटिविटी नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं बस आप लोगों को करेंट सिचुएशंस के साथ इकोनॉमिकल कंडीशंस के साथ बिजनेस लेवल के साथ आपको बस एक कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप जानो कि आपका देश कहाँ है, आपका इकोनॉमी कहाँ है, आप कहाँ हो। अगर आपको हर एक चीज़ पता चलेगा तो जाके आप आपका फ्यूचर का प्लान कर सकते हो कि आपको कैसे रेडी होना है, किस तरह से रेडी होना है। मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा कि आप लोग जो भी सीए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ किताबी पढ़ाई से नहीं होगा। आप लोग जो भी पढ़ोगे प्लीज ट्राई टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली, और जो भी आप पढ़ोगे क्लास में चाहे आप मेरे पास पढ़ो कहीं और से पढ़ो किसी भी जगह से पढ़ो, एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना कि आप जो भी पढ़ाई करोगे प्रैक्टिकली ढूंढना कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा। जरूरत पड़ने से आज के डेट में हर चीज़ ऑनलाइन लेवल पे होता है तो आपको भी ऑनलाइन में कैसे, जैसे अगर आप अकाउंट सीखते हो तो अकाउंट ऑनलाइन में किस तरह से टैकल किया जाए, अगर आप अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल लेवल में करना चाहोगे कैसे करोगे, डेमो लेवल में कैसे सीख पाओगे, मैं आपको गाइड करूंगा बाद में। इकोनॉमिक्स का डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए, किस तरह से आप इकोनॉमिक्स को डेली प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, शेयर मार्केट के साथ, फिनेंशियल इकोनॉमी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, आई विल गाइड यू, बट यू हैव टू थिंक इन दैट वे। आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सर फाउंडेशंस में इतना मार्क्स का है हमें तो इतना चाहिए हम, आप बस सिलेबस ख़त्म कर दो। सिलेबस शायद मैं ख़त्म कर दूँ, ज़रूरत से ज़्यादा दो बार तीन बार भी ख़त्म हो जाता है कभी कभी, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ सिक्योर हो गया। मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलूँगा, शायद ये बात ये बहुत कड़वा सच है कि भाई एग्जाम पास करा तो बाकी हम देख लेंगे, किसी किसी का ऐसा भी मेंटेलिटी होता है, लेकिन मैं एज ए टीचर मैं ये काम नहीं कर सकता कि जानबूझ के मैं आपको ये नहीं बताऊँ तो ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकलिटी है क्या, और अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा हर एक सब्जेक्ट का, आपको तो किताब से पढ़ना पड़ेगा, किताब आप
किताब हमको मतलब रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते में चलना कैसे है, दैट इज द प्रैक्टिकलिटी, वो भी आपको करना है। और अगर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे तो जाके आप आज के डेट में जो फ्यूचर डे आ रहा है, जो फ्यूचर एरा आ रहा है, वो एरा टोटली चेंज होने वाला है। जैसे कि ट्विटर, आप लोग जानते हो ट्विटर एक बहुत ही फेमस कंपनी है। ट्विटर का जो मतलब ओनर है वो ऑलरेडी बता दिया कि जो भी एम्प्लॉय है ट्विटर का, वो लोग फॉरएवर के लिए घर में हो, मतलब वर्क फ्रॉम होम हो गया उन लोगों के लिए। तो जैक डोरसे नाम है ट्विटर का ओनर का, उन्होंने बता दिया कि वर्क फ्रॉम होम फॉर फॉरएवर। इसका मतलब आप समझ लो कि ट्विटर जैसा मल्टीनेशनल कंपनी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया आज, तो आगे क्या हो सकता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम इकोनॉमी का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। जो भी हो, मैं थोड़ा सा अपडेशन दे रहा था आप लोगों को, आगे मैं आप लोगों को मतलब लॉ रिलेटेड बात बताऊंगा, फिर आप समझ पाएंगे कि एक तो जो एक एरा चला गया, आप बस समझ लो कि 2020 तक एक एरा था। जैसे वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे ना कि हिस्ट्री में ऐसे पढ़ते थे कि आइस एज चला गया, आयरन एज चला गया, ठीक है, कॉपर एज चला गया, ये भी एक एज था 2020 तक। और अभी जो नया एज आ रहा है, दैट इज एक न्यू एरा आ रहा है, ये न्यू एरा भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये न्यू एरा में जीना भी पड़ेगा और न्यू एरा के साथ लड़ना भी पड़ेगा। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल से, गवर्नमेंट का जो भी हम लोग का हर एक स्टेट का जो मिनिस्टर्स लेवल से बार बार एक बात आ रहा है कि हमें कोरोना के साथ लड़ना सीखना पड़ेगा और हमें इसके साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि न्यू बिजनेस का सिचुएशंस भी डिफरेंट होगा, और न्यू बिजनेस सिचुएशंस के साथ आप लोग न्यू जनरेशन हो, आप लोग भी न्यू मतलब, और जो भी ओल्ड जनरेशन है, नॉट ओनली न्यू जनरेशन, जो ओल्ड जनरेशन है, जो लोग ऑलरेडी काफी मैच्योर हो चुके हैं बिजनेस लेवल पे, उनको भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा अगर बिजनेस सर्वाइव करना है। तो अब सवाल है सर, एक्ट का क्या काम है? जैसे कल अगर आप लोग देखेंगे, मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास में एक मैटर पे डिस्कशंस किए थे, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास में डिस्कशंस किए थे। और कल मोदी जी ने अपने भाषण में, इवन निर्मला सीतारमण जी मतलब अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने भी लैंड लेबर पे बात किया, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप में उतना फोकस नहीं किया, लैंड लेबर लिक्विडिटी पे फोकस किया। लैंड लेबर लिक्विडिटी एंड लॉ, फोर पिलर ऑफ इकोनॉमी बनाया करंटली, लैंड लेबर लिक्विडिटी एंड लॉ। पॉइंट पे गौर करना, लैंड लेबर लिक्विडिटी एंड लॉ। लैंड लेबर मतलब सबके पास प्रॉपर लेवल पे जमीन होना चाहिए, लेबर सबके पास प्रॉपर लेवल पे मतलब लेबर जो है हर एक जगह में प्रॉपर वे में ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। लेबर का मतलब एवरीबडी इज लेबर, लेबर मतलब ऐसा नहीं कि जो सर पे सामान उठाता है वही लेबर होता है, जो एक नॉर्मल सोच है हम सबका, ठीक है, ये गलत सोच है। लेबर मतलब इकोनॉमी में हर कोई लेबर, इन आवर इकोनॉमी एवरीबडी इज लेबर, मतलब आप भी लेबर, हम भी लेबर, और जो प्राइम मिनिस्टर भी लेबर है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी लेबर है, इकोनॉमी में सब लेबर। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा जो लोगों को सैलरी मिलता है वो लोगों को व्हाइट कॉलर बोला जाता है, जो लोगों को वेजेस मिलता है उन लोगों को ब्लू कॉलर बोला जाता है। पॉइंट एकदम सिंपल है कि लैंड लेबर मतलब ताकि हर जगह में प्रॉपर वे में काम करने के लिए लोग मतलब अवेलेबल रहे हर एरिया के लिए। लैंड लेबर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब हर जगह में मनी अवेलेबल रहे, हर जगह में मनी अवेलेबल रहे, मतलब पैसा का कमती ना हो। तभी तो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अब 20 लाख करोड़ किस तरह से मिलेगा ये तो डिपेंड करता है अपना सरकार, सरकार के साथ काम करने वाले एजेंट मतलब पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल छोटा मोटा नेता, पंचायत से लेके म्यूनिसिपलिटी से लेके एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल तक, ये जो चेन बना हुआ है सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये कितना अच्छे से काम करता है इस पे डिपेंड करता है कि सबके पास ये पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ये तो इंडियंस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, हम लोगों का कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कोशिश अकेले से नहीं होगा, हम लोग भी गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर ये 20 लाख करोड़ का जो बूस्टअप है, ये बूस्टअप करके इकोनॉमी को न्यू लेवल पे ले जाने के लिए, आप लोगों का करियर अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अगर इस करेंट सिचुएशंस में न्यू तरीके से हर एक चीज को जानोगे सीखोगे, तो आप भी न्यू एज में जो भी होगा उसके साथ आप भी सर्वाइव कर पाओगे, अपने आप को टिका पाओगे, और सबसे बड़ी बात सक्सेस मिलेगा। मतलब पुराना कॉन्सेप्ट में जो भी बिलीव करते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, ओल्ड कॉन्सेप्ट भूल जाओ, क्योंकि ओल्ड तरीके से कुछ नहीं होने वाला। हमें बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर का बात है, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलने वाला है आगे के टाइम पे। तो फिर प्राइवेट मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, आप लोग तो प्रोफेशनल लेवल पे हो, आप लोगों का जॉब का जगह अलग होगा, लेकिन
तरीका अलग होगा, नॉलेज बहुत हाईली आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। मैं बार बार बोलूंगा इसमें डिमोटिवेटेड होने का कोई बात नहीं है, उल्टा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट बार बार आवाज उठा रहा है कि आप लोग खुद का काम करो, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस चार्टर्ड, प्रैक्टिस सीएमए, प्रैक्टिस सीएस, मतलब आप लोग सलाहकार बन सकते हो। सलाहकार मतलब समझते हो, जो लोग बेसिकली नॉलेज शेयर करते हैं। मतलब एक प्रैक्टिशनर का काम क्या होता है, एक सीए का, एक सीएस जो प्रैक्टिस करते हैं, सीएमए जो प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि किसी के पास कुछ बिजनेस है, उस बिजनेस का जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करता है। तो आप लोग ना खुद को एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन बनाओ ताकि आपको, आपके पास हर कोई हेल्प लेने के लिए आए कि भाई मेरे को एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है, कैसे सेटअप करे, भाई मेरे को एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, मुझे कैसे करना है, इसके क्या क्या लीगल मैटर क्या है, क्या ई कॉमर्स लॉ किस तरह से काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या मैटर है। अगर मैं किसी को प्रोडक्ट के लिए कोई मुझे ऑर्डर दे दिया, मैं बाद में उसको प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं दिया, तो फिर अगर इसमें क्या लीगल मैटर्स आ सकता है। मतलब आप लोगों के पास नॉलेज होगा तभी जाके आप ये सब जो न्यू जेन एज बिजनेस है इसका जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर पाओगे। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना में प्लीज एक बार जवाब दो। हाँ सर। ओके थैंक यू। ठीक है म्यूट कर दो। आगे मैं पीडीएफ में जा रहा हूँ, जहाँ स्टडी मैट पे जा रहा हूँ, उस पर हम डिटेल्स में बात और करेंगे कि जो भी चैप्टर से हम लोगों का। क्या आप लोगों को पीडीएफ शो हो रहा है, बस हाँ या ना में बोलो प्लीज। हाँ सर। यस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शो हो रहा है ना। ठीक है ठीक है, म्यूट कर दो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस मैं एक चीज बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रिटिश पीरियड में आया था। ये कॉन्ट्रैक्ट का एकदम सिंपल सा मतलब यही है कि हम लोग किसी के साथ भी कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस में बेसिकली दो चीज हम लोगों को देखना पड़ता है। सिंपल है, आप लोग किसी भी दुकान में जाते हो, सिर्फ किसी से कुछ ऑर्डर करते हो, तो आपने एक सिंपल सा एक रेस्टोरेंट में गए और खाना ऑर्डर किए, तो आपने जो ऑर्डर किया वो आपके तरफ से उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को क्या था, ऑफर था, और उन्होंने बोला कि सर वेट फॉर 15 मिनट्स, खाना रेडी होके आप टेबल में बैठिए, आपके टेबल में आ जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कह दिया आप जाके टेबल में बैठ जाते हो, इसका मतलब आपका ऑफर जो था उन्होंने वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर दिया। प्लीज म्यूट कर दो ना, कोई एक अनम्यूट करके रखा है, प्लीज म्यूट करो। मतलब आपका जो ऑफर था वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्टोरेंट है, उसने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में क्या हो जाता है, एग्रीमेंट बनता है। और जैसे ही ये एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है, जैसे ही ये एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एनफोर्सिबल बाय लॉ मतलब जैसे मानो कि आप खाना ऑर्डर दिए और आप आधा घंटा से ज्यादा आपका बिल भी कट गया, उन्होंने बोल भी दिया कि भाई पेमेंट करो तो पहले फिर आपका खाना रेडी होगा, तो जैसे आपका पास बिल आ गया ना, वो बिल आपके साथ उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसके बाद वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट आपको खाना नहीं देता तो आप उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे आप क्लेम कर सकते हो, या फिर उस पे आप मतलब उस पे कोई भी तरह का केस करा सकते हो कि ऑर्डर लेके ऑर्डर सप्लाई नहीं किया। अगर वो प्रॉपर रीजन नहीं दिखा पाएगा तो फिर उस पे केस होगा। तो सिंपल सा मैटर है, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग मेनली एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत बात किए हैं, उसमें एग्रीमेंट जैसे मैंने अभी बताया आपको, एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, ये लास्ट क्लास का डिस्कशन है, मैं आपको साथ फिर से एक बार रिविजन कर रहा हूँ। एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, आपने ऑफर किया, उल्टा साइड में कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक्सेप्ट किया। नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, ये दो इंसान के बीच में भी हो सकता है। सपोज देयर इज अ टू पार्टी, एक पार्टी ने बोला कि भाई मुझे तेरे से तेरा ये मारुति कार चाहिए, तो उल्टा साइड में वो मारुति कार वाले बोले ठीक है बदले में तू मेरे को 1,00,000 रुपया दे देना। तो जैसे ही वो 1,00,000 रुपया इसको दिया और वो मारुति कार उसको दिया, तो ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कैसे क्या हो बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ये देखिए एग्रीमेंट में दो प्रोडक्ट यहाँ पर है, वन इज कॉल्ड ऑफर, अनदर इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, और ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट तो बन गया, और यही एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, यही एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली
कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। मतलब लॉ इन्फोर्सिबल कैसे करेगा, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर जिस जो भी स्टेट में है, जो भी कंट्री में है, उस पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट उस पर्टिकुलर मैटर पे क्या लिख के रखा है वो डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। चलिए आज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे मैटर पे बात करते हैं कि आप लोगों को मजा भी आए और हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सारा चीज जानने को भी मिले। और जिनका पहला क्लास छूट गया है उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। जो भी पहला डिस्कशन हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किए थे लॉ में कॉन्ट्रैक्ट में, वो सबका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था और जो भी डिस्कशन हुआ था वो आपको मैं क्लास करते करते भी बताऊंगा, ठीक है। आज मैं ये टॉपिक में डिस्कशन करूंगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 1.3 में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिनके पास मेरा ये प्रोडक्ट इसका सॉफ्ट कॉपी नहीं है उनको मैं आफ्टर दी क्लास दे दूंगा या फिर आपको मेरे वेबसाइट में भी मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात करते करते आप लोगों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट समझाते हुए चलूंगा। एक बार आप देखिए कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का हो सकता है, इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस में कितना तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि तरह तरह का प्रॉब्लम तो तरह तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जितना तरह का बिजनेस होगा उतना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उसमें कुछ मैटर्स भी हैं। ऐसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तीन तरीके से बांटा जा सकता है। वन इज कॉल्ड वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को कुछ अलग तरीके से बांटेंगे। फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा और परफॉर्मेंस। तो तीन पिलर हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप वेट करो, आपको समझ आ जाएगा, मैं वादा करता हूँ। वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी में मैं अगर बात करूँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई कोई हो सकता है कि फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहा हो, तो उनको भी बोलूंगा प्लीज वेट करो, समझ में आ जाएगा एकदम। आपका आप हमका सबका लाइफ का पार्ट है ये लॉ, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक बार बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किसको कहेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, इसमें लॉ क्या कहते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए जितना सारा एसेंशियल होता है वो सब अवेलेबल हो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब कोई किसी किसी के जो लोग लास्ट क्लास नहीं किया था उनको लगेगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट क्या है, ठीक है, मैं उनको एक बार बता दूं और जो लोग लास्ट क्लास किए थे उनको भी मैं एक बार रिविजन करा दूं। ये देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा साइकिल बना हुआ है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहला बात, ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, नहीं सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ ऑफर करेगा, अपोजिट साइड में कोई होगा एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं उसको थोड़ा सा मजाक से करूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे एकदम सिंपल लेवल में जब दो इंसान के अंदर मतलब एक लड़का और एक लड़की पे जब एक रिलेशनशिप बनता है तो वो रिलेशनशिप किस तरह से बनता है, कोई ना कोई किसी ना किसी को ऑफर करता है। अगर मैं यहाँ पर लड़का को सोच लूँ कि वो जिस तरह से पीछे में गुलाब लेके एक नी पे बैठ के जैसे प्रपोज करता है वो प्रपोजल ही होता है, और हम लोग लॉ में भी ये वर्ड यूज करते हैं प्रपोजल या ऑफर। तो लड़का जब लड़की को प्रपोज किया तो वो क्या हो गया, ऑफर हो गया। अगर लड़की एक्सेप्ट कर लिया तो बात बनेगा, लेकिन बात आगे तभी बनेगा, मतलब बात मतलब ये लड़का लड़की का रिलेशनशिप आजकल के जैसा ब्रेकअप वाला रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्रेकअप वाला नहीं, जो एक कंप्लीशंस पे पहुंचता है, एक सच्चा प्यार जैसे होता है, लास्ट में जाके वो लोग सच में अपना जिंदगी निभाता है एक दूसरे के साथ। दैट मीन्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब वो लोग पहली बार मिले, पहली नजर में प्यार भी हुआ, पसंद भी हुआ, और पहली नजर का वो प्यार पसंद कुछ दिन दोस्ती में बदला, फिर दोस्ती से एक प्यार में बदला, और लास्ट में वो लोग लीगल रिलेशनशिप करके, रजिस्ट्री मैरिज करके, ठीक है, सोशल मैरिज मैरिज करके अपना लाइफ को निभा रहा है। एग्जैक्टली यही पैटर्न होता है हर एक केस में। जैसे शादी का बात, ये भी ये जो मैं एग्जाम्पल यूज किया, ऐसा मत समझो कि ये लॉ का पार्ट नहीं है, ये भी हम लोग लॉ में डिस्कशंस करते हैं।
ऐसे आई होप कि जो लोग लास्ट क्लास में थे वो लोग को मैंने एग्जांपल इंस्टीट्यूट का किताब में से ही मैं बोल रहा हूँ, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का आप किताब उठा लो वो हर जगह में आपको मिलेगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये अगर मैं बिजनेस की नजर से बताऊं तो एकदम सिंपल है, जैसे कोई दो बिजनेस के अंदर डील होता है, जैसे आपको बता दूं कि एक कोई बड़ा प्लान के बारे में सोचो, जैसे अगर जो भी लोग इंडस्ट्रियल एरिया से बिलोंग करते हो, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि हमारे यहाँ पर कोई एक लड़का है जो सहायक है, दुर्गापुर से है, दुर्गापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, सबको पता है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, इस एक वहाँ पर स्टील प्लांट बहुत फेमस है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट में जो स्टील बनता है, या फिर और भी जैसे रानीगंज में भी है आपका, चित्तरंजन में भी रेलवे वर्कशॉप है, वहाँ से कोमल भी है, तो ये लोग इंडस्ट्रियल बेल्ट से बिलोंग करता है, और भी जगह है शायद मुझे सब याद नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। तो दुर्गापुर स्टील हो या चित्तरंजन में जो लोकोमोटिव्स है, वहाँ पर जो भी चीज़ बनता है, जैसे स्टील बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आयरन ओर। अब दुर्गापुर के बगल में ही है झारखंड का एरिया, और झारखंड का जो छोटा नागपुर मालभूमि है, मालभूमि मतलब टेबल लैंड होते हैं, जो छोटा नागपुर हाईलैंड है, वो छोटा नागपुर हाईलैंड कोल के लिए जाने जाते हैं, वहां पर कोल मिलता है, आयरन ओर मिलता है, मैंगनीज मिलता है, मतलब तरह तरह का नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है जो एक स्टील बनाने के लिए जरूरी होता है। अब वो पर्टिकुलर जो आयरन ओर का जो माइन है या फिर कोल का माइन है, वो कोई ना कोई गवर्नमेंट की एजेंसी पे टेंडर लेके रखा है, टेंडर मतलब अपने ओनरशिप पे रखा है, और बाद में जब ये सब स्टील फैक्ट्री, नॉट ओनली दुर्गापुर स्टील, टाटा स्टील इज ऑल्सो देयर इन जमशेदपुर, तो ये जो एरिया है ना, ये इंडिया का मतलब क्या बताऊं, मतलब ये इंडिया का ना हब है, मतलब ये जगह गरीब है, मतलब रियली बताऊं, जैसे सूरज के सामने तेज प्रकाश बहुत है लेकिन फिर भी सूरज में कोई नहीं रह सकता, सेम टू सेम ये झारखंड और ओडिशा, झारखंड छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेस छुपा हुआ है ना, वही इंडिया को बना के रखा है, लेकिन फिर भी वो सब जगह उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन फिर भी एक बात कि वो जो कंपनी उस पर्टिकुलर स्टील फैक्ट्रीज को ये सब चीज सप्लाई किया, उनके साथ उनका क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। दुर्गापुर स्टील अगर बोला कि भाई मुझे इतना मेट्रिक टन आयरन और चाहिए, तो पर्टिकुलर जो माइन है वो माइन उसको ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, फिर वो लोग बाद में जाके एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेगा कि भाई अगला 5 साल तक, अगला 5 ईयर्स तक या अगला 10 ईयर्स तक हम लोग एक प्रॉपर बिजनेस रिलेशनशिप पे बंधे रहेंगे। जैसे शादी होता है ना, बिजनेस भी एक तरह का शादी होता है, जो भी बिजनेस करते हैं ना, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बना के, एक दूसरे के साथ एसोसिएशंस बना के, ये भी एक पार्टनरशिप ही चलता है। आप लोग आगे जाके जब चार्टर्ड फार्म बनाएंगे, सीएस फार्म बनाएंगे, आप लोगों का भी ना सेम तरह का होगा कि अगर पार्टनरशिप में करोगे तो फिर वो एक शादी जैसा ही होगा। अब जब अपना क्लाइंट के साथ अपना बिजनेस या फिर कंसल्टेशन बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, वो भी ना एक मैरिज जैसा ही होगा कि इतना दिन के लिए आपका अकाउंट मैं मेंटेन करूंगा, इतना दिन के लिए आपका ऑडिट मैं करूंगा, ठीक है। तो ऑडिट का भी ना सेम तरह का कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग ऑडिट का क्लास करेंगे, स्पेशली जो लोग सीए करते हो उनके तो ऑडिट बहुत ही फेमस है, उनके लिए ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएस वालों के लिए भी ऑडिट इंपॉर्टेंट है, तो ऑडिट में भी ना एक शादी होता है अपने क्लाइंट के साथ उस पर्टिकुलर ऑडिटर का, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर ही हो जाता है कि एकदम आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जो भी कंसिडरेशन होगा, मतलब बदले में एक दूसरे को जो देगा, जैसे अगर मैं दुर्गापुर स्टील का बात करूं, दुर्गापुर स्टील के केस में क्या कॉन्सेप्ट है, दुर्गापुर स्टील को आयरन ओर चाहिए था स्टील बनाने के लिए, और उस पर्टिकुलर आयरन ओर माइन को क्या चेक करना चाहिए था, उनको आयरन ओर देना था, तो दुर्गापुर स्टील बदले में क्या पेमेंट करेगा, कैश पेमेंट करेगा आयरन ओर के बदले, और वो पर्टिकुलर कोल माइन, मतलब जो सॉरी कोल माइन बोल दिया, आयरन ओर माइन आयरन ओर देगा दुर्गापुर स्टील को। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि कंसिडरेशन जो है, मतलब कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो दुर्गापुर स्टील के लिए कंसिडरेशन हो जाता है आपका आयरन ओर, और इसके लिए कंसिडरेशन हो जाता है आयरन ओर कंपनी के लिए कैश, ठीक है। तो इस तरह का कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल मैटर्स कंसिडरेशन पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार इसको रिवीजन इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये सब पॉइंट को बार बार दोहराएगा, आज का जो टॉपिक जो करेंगे हम लोग आगे, वो बार बार ये सब पॉइंट को बार बार रिपीट करेगा। तो लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, मतलब जो दोनों पार्टी में होगा, लाइक दुर्गापुर स्टील के साथ आयरन ओर कंपनी का जो बनेगा, उनका कैपेसिटी प्रॉपर होना चाहिए। कैपेसिटी मतलब दुर्गापुर स्टील में से जो भी डायरेक्टर्स है या दुर्गापुर स्टील का कोई भी ओनर पागल नहीं होना चाहिए, या फिर जिसके साथ डील हो रहा है, मतलब आयरन ओर कंपनी का भी अगर कोई है तो ऑपोजिट साइड में कोई पागल या अनसाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नशाड़ी या गंजेड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लोग नशा वगैरह करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो
पार्टीज का कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैपेसिटी और डिटेल्स में कैपेसिटी में आगे बात करेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज, हर चीज का एक लीगल प्रूफ होना चाहिए, तो लीगल फॉर्मेलिटीज प्रूफ करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर के साथ, एक प्रॉपर एग्रीमेंट पेपर के साथ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना है। नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब जिस पर्टिकुलर चीजों का बिजनेस के बारे में किया जा रहा है वो सरकार की तरफ से इलीगल या इलीगल नहीं हो सकता, इलीगल चीज वॉइड हो सकता है, बट हमेशा हर एक वॉइड चीज इलीगल है ऐसा बात नहीं है। मतलब कोई भी चीज वॉइड मतलब वो कैंसिल है, मतलब वो अभी हो नहीं सकता। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जब लास्ट क्लास में डिस्कशंस किए थे उसमें हम लोग एक मैटर पे बात किए थे, दैट इज करेंटली जो हम लोग घर के अंदर है, तो हम लोग घर के अंदर इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है हर कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन ऑल ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो लोग भी लोग हम लोग घर के अंदर, स्पेशली सिटीज पीपल, जैसे कि मैं कोलकाता में हूँ तो पूरा घर के अंदर एकदम बंधा पड़ गया, तो जो भी लोग घर पे है तो घर से बाहर जा सकते हैं, फिर ओनली फॉर नेसेसिटीज। आप लोग देखे होंगे स्टार्टिंग में, स्पेशली थोड़ा यूथ लोग, स्पेशली जो लोग बाइक लेके इधर उधर घूमते रहते, क्या मार पड़ा है सबको। हाँ क्यों मार इसलिए पड़ रहा था क्योंकि वो लोग उस करंट सिचुएशंस में रस्ते में घूमने निकलना वॉइड माना जा रहा था। तो अगर ऐसा कोई भी चीज जो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। मतलब आपका घर से बाहर निकलना सोसाइटी के साथ अभी वॉइड है, अगर सरकार जिस दिन डिक्लेयर कर देगा, मतलब जिस दिन लॉकडाउन हट जाएगा उस दिन वो वॉइड से क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। मतलब हमका आपका घर से बाहर निकलना एक वैलिड सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट करो जो पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था वो अक्षय कुमार का एक बहुत फेमस गाने से एग्जाम्पल लिया था, वो तुम जो कहते तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं में घटाओं में मोड़ लाऊंगा मैं। गाना मत गाया करो, बस समझा करो कि ये तुम जो कहते तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब पीछे दूसरा मैटर है, वो प्यार मोहब्बत का बात है, लेकिन क्या सच में चांद तारे तोड़ के लाना पॉसिबल है? नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जैसे कोई बोलता है ना, मैं तो चुटकी में खुल जा सिम सिम करके ट्रेजर बाहर निकाल के लाऊंगा, तुम्हारे लिए तो मैं सोना का ये बना के दूंगा, तुम्हारे लिए तो मैं वो बना के दूंगा, मतलब ऐसा बात में डील होता है जो सच में पॉसिबल होता है परफॉर्मेंस करना। तो वो चीज भी ध्यान पे रखना चाहिए कि जो चीज में बिजनेस डील हो रहा है या जो चीज पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो पॉसिबल है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ऐसा चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसका मतलब क्लियर हो, जिसका मतलब क्लियर नहीं है उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मतलब जिस पर्टिकुलर चीजों के साथ मतलब बिजनेस बन रहा है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मतलब कोई इलीगल वस्तु से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे गांजा, चरस, अफीम, हाँ आई होप आप लोग जानते होंगे, ओपीएम सीड्स बोलते हैं, या फिर जिसको मैरिजुआना बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, ये सब चीजों का बिजनेस करना नॉर्मल लेवल पे इलीगल है। लेकिन हाँ, अगर कोई दवाई में यूज कर रहा है, जैसे आप लोग जानते होंगे दवाई दुकान में लिखा रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, हाँ क्या मतलब उसका, वो ड्रग्स बेचता है, हाँ वो ड्रग्स जरूर बेचता है, लेकिन वो ड्रग्स ओनली फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो अगर कोई मेडिसिनल कंपनी ड्रग्स बेचे तो ओनली फॉर मेडिकल पर्पस में वैलिड है, लेकिन अगर कोई नॉन मेडिकल पर्सन अगर किसी भी तरह का अफीम हो गया या फिर वीड्स हो गया, इस तरह का जो दवाई में यूज होता है उसके लिए करता है, लेकिन अगर कोई दवाई वगैरह छोड़ के नॉर्मल यूज करता है तो वो इलीगल है। आपको पता होगा कि अगर कोई भी इलीगल ट्रेड करता है ये सब चीजों का, जैसे हम लोगों को पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि नेपाल वगैरह से बहुत सारा इलीगल ये सब प्रोडक्ट आता है। आप लोगों को मैं ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी है, नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पस बट टू डेवलप आवर इकोनॉमी, क्योंकि इलीगल ट्रेड बंद होगा तभी जाके देश बन पाएगा। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करो वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। सर नॉट ओनली यही सारा चीज क्यों हमेशा एग्जाम्पल पे ले, कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट में। जैसे इलीगल, आप लोग जानते होंगे कि इंडिया बहुत पुराना एक कंट्री है, मतलब इंडिया वर्ल्ड का मतलब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मतलब अगर किसी कोई साथ में अगर है तो सिर्फ मिसोर को लिया जा सकता है, मिसोर इन इजिप्ट, ठीक है, मिसोर का कैपिटल जो इजिप्ट है, ओनली इजिप्ट को साथ में लेके इंडिया और इजिप्ट, मतलब जो आप लोग जानते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से कम 5000 ईयर्स बैक में बना था, जो आज पाकिस्तान में गिर गया बदकिस्मती से। ठीक है, आप लोग जानते होंगे मोहनजोदाड़ो जो एक सिविलाइजेशन बना था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो सिंध रिवर के बगल में बना था, वो सिविलाइजेशन इंडिया, यार इंडस के नाम से ही अपना देश का नाम इंडिया बना है, वो ग्रीक या फिर रोमन या
पारस का लोग हम लोगों को इंदोन इंदोन कहता था, और इंदोन इंदोन से हम लोगों को बाद में वो लोग इंडिया इंडिया कहने लगा, तो हम लोगों का नाम बाद में इंडिया हो गया। लेकिन हमारा हम लोगों का नाम ऑलवेज भारत था। भारत एक बहुत फेमस राजा हुआ करता था उनके नाम पे। सर हिस्ट्री क्यों बता रहा है? हिस्ट्री इसलिए बता रहा है क्योंकि जिस कंट्री का हिस्ट्री रिच हो उस कंट्री में जो मंदिर मस्जिद है ना, वो टेम्पल्स वगैरह में जो छुपा हुआ, जो मतलब छुपा वो नहीं बोलेंगे, जो आर्किटेक्ट है मंदिर में, जो आर्किटेक्ट है। आप लोग अगर ओडिशा में जाओगे, आप लोग अगर साउथ इंडिया जाओगे, नॉर्थ इंडिया में आपको आर्किटेक्ट कम दिखेगा। इसके लिए नहीं कि नॉर्थ इंडिया में आर्किटेक्ट बना नहीं है, एक्चुअली नॉर्थ इंडिया बार बार लूटा गया है। नॉर्थ इंडिया बार बार लूटा गया क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वहां से इंडिया में एंट्री लेना बड़ा आसान था। तो उस थ्रू से आके ना नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस फेमस मंदिर था, जिसमें आपको पता होगा या नहीं भी पता हो, गुजरात में एक बहुत फेमस टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल बोल के। उसमें इतना ज्यादा मतलब इंडिया के पास इतना गोल्ड वगैरह था, इतना ज्वेलरीज था, वो सोमनाथ टेम्पल कम से कम 15 बार लूटा गया है, ठीक है, एक अफगान लुटेरा से, ठीक है, गजनी है, तो अफगान लुटेरा इतना बार उसको लूटा, फिर भी सोमनाथ मंदिर फिर बना है। लेकिन वो जो एक पुराना एक बात था वो नहीं रहा। लेकिन अगर आप कभी साउथ इंडिया विजिट करोगे तो वहां के टेम्पल में जो कारुकार्य है वो इतना महंगा है, वो भी चोरी होता है, आपको बता दूं, स्मगलिंग हो जाता है। अजंता एंड इलोरा आप लोग नाम सुने होंगे, अजंता इलोरा महाराष्ट्र में है, ठीक है, अजंता केव्स इलोरा केव्स में जो मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मतलब मूर्ति का स्ट्रक्चर बना, वो करोड़ों दाम पे बिकता है, करोड़ों दाम पे बिकता है। तो ये सब चीजों का बिजनेस करना इलीगल है, ये कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये इंडिया का, ये अपने देश का ना मतलब प्राउड है, देश का प्राइड है ये, इसको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन ये मतलब क्या बताऊं सर, कुछ लालची लोग किसी भी चीज को नहीं छोड़ता है, मतलब ये लालची लोग ही ना इंडिया का सबसे बड़ा शत्रु है। पाकिस्तान के इतना मुझे नहीं पता, पाकिस्तान तो है शत्रु लेकिन एनिमी सबसे ज्यादा देश के अंदर गद्दार होता है, तब जाके देश में लूटपाट होता है। ओके, तो पॉइंट कहने का मतलब यही था, ठीक है, राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको राजनीति भी समझना पड़ेगा तभी जाके आप लॉ समझ पाओगे, क्योंकि लॉ राजनीति का एक बहुत बड़ा पिलर होता है। अगर आपको क्लियर है तो आप समझ पाएंगे, और आप लोग काफी मैच्योर हो रहे हो, और आपको हर एक चीज बड़ा ओपन माइंड में सीखना जरूरी है। अगर नहीं सीख पाओगे तो आगे आपको मुश्किल है और मेरा भी टीचिंग क्वालिटी गिर जाएगा। फ्री कंसेंट मतलब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कंसेंट फ्री होना चाहिए, मतलब किसी को धमका के मार के आप कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने का एक एक तरीका। तो अभी मैं फिर से करेंट पॉइंट पे आ जाता हूं। करेंटली हम लोग जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे थे, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे थे। अभी देखो आप फिर से एक बार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अभी जो हम लोग इतना सारा वैलिडिटी के ऊपर बात किए, वो जो पूरा साइकिल था, वो सब साइकिल जहां जहां मतलब जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो साइकिल पूरा का पूरा वैलिड होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जस्ट वैलिड का उल्टा है, लेकिन क्या कैसे उल्टा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। सेक्शन थोड़ा याद रखिएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीज मतलब जो आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, सीज कर दिया बोलते हैं ना, सीज कर दिया मतलब आगे उस पर काम नहीं चलेगा, मतलब उसमें गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से उसको ताला लगा के रखा है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ द्वारा वो काम नहीं हो सकता, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। दस ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैनॉट बी एनफोर्स बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब ये लॉ में मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा ही नहीं, क्योंकि लॉ में अगर कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कोर्ट सिंपल कहेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सरकार मना करता है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कोर्ट क्या हर एक इस तरह का इलीगल चीज करने के लिए बैठे हैं क्या? चलो एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। यहां पर अगर आप एग्जांपल देखते हो, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक। मिस्टर एक्स एक किताब लिखने के लिए बोला, एक किताब लिखेगा विद ए पब्लिशर। आफ्टर ए फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट। वो बोला पब्लिशर को मैं किताब लिख के दूंगा, बट कुछ दिन बाद उसका देहांत हो गया, डेथ हो गया उनका। एक्स डाइज इन एक्सीडेंट। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एकदम सिंपल से पॉइंट है, मिस्टर एक्स के साथ पब्लिशर का एग्रीमेंट जरूर बना था,
लेकिन किताब लिखने वाला एग्रीमेंट बना था, कोई बोलेगा कि मिस्टर एक्स मर गया तो उसका बेटा कर देगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या मिस्टर एक्स का बेटा वही किताब लिख सकता है? क्योंकि किताब लिखना एक स्पेशल क्वालिटी होता है, ये कोई ग्रोसरी स्टोर चलाना नहीं होता कि पापा का किसी कारण से देहांत हो गया तो उसका बेटा दुकान में आके बैठ गया और किसी के साथ कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट था 10 क्विंटल गेहूं और चावल का, तो आके बोला भाई तेरे पापा से बात हुआ था तो अब तो तुझे देना, मतलब तो वो काम करना पड़ेगा, तो बेटा भी बोलेगा हाँ हम कर देंगे, पापा से बात हुआ था, मुझे बोल के गया है या फिर आई नो इट। लेकिन क्या किताब लिखने वाला जो बात है, जो लोग किताब लिखते हैं, चाहे पढ़ने वाला किताब हो या स्टोरी लाइन वाला किताब हो, किताब लिखना एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ टैलेंट रहने के बाद आप वो चीज कर सकते हो। तो क्या पब्लिशर उसके बेटा को पकड़ सकता है? कभी नहीं बोल सकता, वो कोर्ट में जा ही नहीं सकता। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पब्लिशर का उस मतलब एग्रीमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा हो गया होगा, क्योंकि पब्लिशर लोगों का ऑर्डर लेता है, मार्केट से दुकानदारों का ऑर्डर लेता है करोड़ों रुपए का। जैसे मैं अब एक कंपनी का नाम आपको बताऊं, एस चांद एंड कंपनी, आप लोग किताब पढ़े होंगे, एस चांद इंडिया का सबसे बड़ा इंडियन कंपनी है, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशिंग कंपनी है, और भी बड़े बड़े कंपनीज है लेकिन एस चांद इंडिया का सबसे बड़ा, ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। एक ऑथर का नाम बताऊं आप लोगों को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए किताब बनाने के लिए बहुत फेमस है, TS अग्रवाल, ठीक है? तो ये TS अग्रवाल का किताब मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग लेवल पे जो लोग सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं उनको बहुत चलता है, और ये किताब सबसे लार्जेस्ट सेलिंग किताब है इंडिया में पढ़ने वाला लेवल में। अब जस्ट सोचो कि ये जो TS अग्रवाल, मैं थोड़ा सा नाम गलत भी हो सकता है, मैं तो जो भी हो आप बात को समझो, कोई अग्रवाल तो है लेकिन मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर TS अग्रवाल भी एक फेमस ऑथर है, तो ये TS अग्रवाल या फिर जो मैथ्स का किताब बनाते हैं CBSE लेवल में, वो भी बहुत फेमस ऑथर है, मतलब स्पेशली ये सब लेवल में। तो जस्ट इमेजिन कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है बोल के वो पर्टिकुलर पब्लिशर मार्केट में उसको बेचने के लिए करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, और बाद में उनका किसी कारण से मौत हो जाता है, देहांत हो जाता है, फिर वो किताब कौन लिखेगा? फिर बोलेगा भाई मेरा तो करोड़ों का लॉस हो गया, तेरा बेटा को लिखना पड़ेगा, और वो कोर्ट में जाता है, ठीक है? कौन? पब्लिशिंग कंपनी। मैं मानो कि एस चांद कोर्ट पे जाता है कि भाई अगर एस अग्रवाल ने मुझे धोखा दे दिया मर के, मैं कोर्ट में जाऊंगा, उसका बेटा को तो लिखना ही पड़ेगा। भाई उसका बेटा पढ़ा लिखा ही नहीं है तो कहां से लिखेगा? तो कोर्ट सिंपली ये सब मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा, एकदम लॉजिकली बात को समझो, कोर्ट एकदम लॉजिकली बात करता है, मतलब कोर्ट का जो सिस्टम है वो लॉजिक बात करने के लिए बना है। इसीलिए देखना हमेशा कोर्ट में दो चीज होता है, जो कोर्ट में वो ये होता है ना, जो कानून देखते हो तो बोलता है कानून अंधा है, इसलिए पट्टी बांध के रखता है, और एक चाकू एक तलवार होता है हाथ में, ठीक है? तलवार का एक अलग रीजन है, लेकिन अंधा इसलिए होता है जब तक लॉजिकली प्रूव ना हो जाए कोर्ट कोई भी बात मानता नहीं है। तलवार का रीजन मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। एग्जाम्पल दूसरा देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी कौन है? ओनर ऑफ दी फैक्ट्री, बी फैक्ट्री का ओनर है, फॉर दी सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, कितना? 10 टन्स शुगर सप्लाई करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। बट बिफोर सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री, मतलब सप्लाई होने से पहले ही फैक्ट्री में आग लग गया। ऐसे तो होता है हमारे साथ लाइफ में, बिजनेस में बहुत होता है। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सप्लाई होने से पहले आग लगा है। अगर सप्लाई होने के बाद आग लगता ना, मतलब सप्लाई होने के बाद आग लगने का मतलब ये था कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को सामान बेच दिया, लेकिन बी ने वो सामान ए के फैक्ट्री से उठा के लेके नहीं गया, वो बोला कि भाई अभी कुछ दिन रखो, मैं कुछ दिन बाद लेके जाऊंगा। अगर उसके बाद आग लगता, मतलब सेल हो जाने के बाद, और बी ए को जबरदस्ती बोला कि भाई और कुछ दिन सामान रखो, पेमेंट तो मैं क्लियर कर दिया लेकिन मेरे फैक्ट्री में जगह नहीं है, तो अभी मैं तुम्हारे गोडाउन में कुछ दिन सामान को रखूंगा, लेकिन उसके बाद अगर ए के फैक्ट्री में आग लग जाता, सॉरी बी के फैक्ट्री में अगर आग लग जाता तो ए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर तो सप्लाई हुआ ही नहीं, तो क्योंकि सप्लाई हुआ ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब अभी बी ए से, सॉरी ए बी से कोई भी तरह का मतलब क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब बातिल है, बाद है, कैंसिल है। ओके, आप लोगों को थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, प्लीज रेस्पॉन्स करना सर। ओके, कोई एक जन बताओ प्लीज। सर लास्ट वाला जो कहे ना, ए ने सप्लाई किया या नहीं तब उसके आग लग गया, वो वाला थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आवाज में डिस्टर्ब आ रहा था मुझे यहाँ पे। ये
ए जो कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, ए कॉन्ट्रैक्ट किया ना बी के साथ, जो बी कौन है, फैक्ट्री का ओनर है ना, बी फैक्ट्री का ओनर है, फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन शुगर, मतलब ए को शुगर चाहिए बी के फैक्ट्री से, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट, सप्लाई होने से पहले आग लग गया, तो क्योंकि आग लग गया अब तो ए को नहीं मिलेगा ना वो शुगर, क्योंकि शुगर में तो आग लग चुका है, तो क्योंकि शुगर में आग लग चुका है अब ए किसी भी तरह का क्लेम बी से नहीं कर सकता, क्योंकि सप्लाई होने से पहले ही बी के गोडाउन में आग लगा है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक दूसरा पहलू में मैं बात कर लिया, मतलब दूसरा पहलू क्या था, मतलब कॉइन का ऑपोजिट साइड में ये बात था कि अगर ऐसा होता कि सेल हो जाता, अगर ए बी को सेल कर देता और सॉरी बी अगर ए को सेल कर देता और ए बी के गोडाउन में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब वो जो शुगर था वो अगर फैक्ट्री में रख देता, अगर वो फैक्ट्री में रख देता और उसके बाद आग लगता, मतलब बेसिकली सेल हो चुका था, सप्लाई भी हो चुका था, लेकिन ए प्रोडक्ट को बी के फैक्ट्री से ले जाने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है, उसके बाद अगर आग लगता तो जाके ए बी से क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ए बी अपने तरह से सेल कर चुका था। ये ए का प्रॉब्लम था कि वो बी के गोडाउन में जानबूझ के माल को रखा था, उसको भी पता नहीं था आग लगेगा, लेकिन एक्सीडेंट बाद में हुआ, तो उस टाइम पे जो लॉस होगा वो बी ए से क्लेम नहीं कर, सॉरी ए बी से क्लेम नहीं कर सकता। और यहाँ पर ए ने जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और सप्लाई होने से पहले बी के गोडाउन में आग लगा, तो यहाँ पर ए का बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि ए ने दूसरा किसी से, सपोज सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था 10 टन ऑफ शुगर का और एडवांस पेमेंट लेके रखा था, तो बी के गोडाउन में आग लगने के कारण ए का जो कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ है वो ए बी से क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सप्लाई होने से पहले हो चुका है। ठीक है, ओके, हाँ सर, ओके। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आई होप कि क्लियर है, ओके, म्यूट कर लो प्लीज। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, ठीक है, यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल हम लोगों को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। अभी हम लोग बात करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो अनदर इंटरेस्टिंग जंक्चर, ठीक है। वॉइड एक हो गया वैलिड, वैलिड मतलब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हर एक पॉइंट जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मीट होता है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मीट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। 2J बताता है void contract वो contract है जहां पर ये सब cases होता है, and अभी आता है voidable contract जो section 2 subsection I में बताया गया। section 2 I defines that an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract, मतलब जो agreement law में enforce हो सकता है at the option of one, मतलब एक के लिए जो possible है, मतलब एक के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है लेकिन दूसरे पार्टी के लिए वैलिड नहीं होगा, ये कैसे संभव है आगे देखते हैं। दिस इनफैक्ट मींस वेयर वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट इज इन पोजीशन और लीगली एंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम्स वॉइडेबल, ठीक है। यहाँ पर सच राइट माइट अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट मे हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय वन ऑफ द पार्टीज बाय कोअर्शन, मतलब एक पार्टी दूसरा पार्टी पे क्या कर रहा है, क्वार्शन कर रहा है। इस पे भी हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा बात किए थे कि अभी हम लोग बोल रहे थे ना फ्री कंसेंट में ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट मतलब ऑपोजिट साइड में जो है उनको हर एक मैटर एकदम क्लियर होना, मतलब कोई किसी के ऊपर ना जबरदस्ती नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता, किसी को धमका नहीं सकता, अगर इस तरह का मैटर नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एकदम फ्री कंसेंट है। लेकिन अगर कोई ये मारपीट धमका धमकी किस पार्ट किस चीज में बात करता है, कोअर्शन पे बात करता है, अंडू इन्फ्लुएंस में बात करता है, अंडू इन्फ्लुएंस मतलब अंडू इन्फ्लुएंस नॉर्मली जो क्लोज रिलेशंस में होता है ना वो करता है, जैसे बाप बेटा में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, माँ बेटा में हो सकता है, अंडू इन्फ्लुएंस कोई रिलेशंस में है, ठीक है, मतलब कोई घर के अंदर ही कोई, जैसे रावण के साथ विभीषण ने किया था अंडू इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब इस तरह का। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि विभीषण बहुत भयंकर चीज है, जो अपना नहीं हो सकता वो पराए का कैसे होगा, तो इस तरह का कुछ पॉइंट, मतलब अंडू इन्फ्लुएंस बहुत कोई अपना ही कर सकता है। फ्रॉड, जैसे दुकान में फ्रॉड हम लोगों को लोग चीट करता है, मिसरिप्रेजेंटेशंस, गोल्ड पेटल्स का चीज दिखा के अगर कोई सच में बोल दे कि ये गोल्ड है, मतलब वो गोल्ड प्लेटेड है, या फिर बस क्या बोले उसको, तो बोलते हैं ना एक वो लड़की लोग पहनते हैं नॉर्मली घर पे, माँ बहन लोग पहनते हैं, उसको एक नाम है उसका, गोल्ड प्लेटेड होते हैं, इमिटेशंस बोल सकते हो, या फिर उसका एक और भी एक
सिटी गोल्ड ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो सिटी गोल्ड का चीज या फिर गोल्ड प्लेटेड चीज को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करता है कि नहीं गोल्ड है, तो फिर आप क्या समझोगे कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ? आपको उतना नॉलेज नहीं था तो ऑटोमेटिकली आप मिस रिप्रेजेंटेशन हो गए कि आपको लगा था कुछ और, लेकिन दुकानदार ने जानबूझ के अगर किया तो उस पर अलग बात होगा। तो यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ कि वॉइडेबल कैसे हो जाता है। मतलब सिंपल बात है, वॉइडेबल इस तरह से होता है कि वॉइडेबल के पीछे का रीजन एकदम सिंपल है कि जैसे कि अभी गोल्ड के बारे में जो बात हम लोगों ने कर रहा था कि आप दुकान में गए, आपको कुछ गोल्ड का चीज लेना है, मानो कि आपके लोकल्स में कोई माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स बोल के कोई ज्वेलर्स है, आप वहां पर गए और माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स का जो ओनर है वो आपको गोल्ड प्लेटेड चीज दिखा के गोल्ड बोल के बेच दिया, तो आपके साथ क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। आपको कब पता चला? जब आपके घर का कोई बड़ा वो चीज देखा और आपको बोला कि भाई ये तो गोल्ड है, तो उसके लिए कितना पेमेंट करके आया, तो आप बोले कि भाई इसका इसका तो 20,000 लिया, इतना समथिंग कुछ ग्राम सोना है बोल के, तो फिर वो बोला कि भाई इसमें सोना का मतलब क्या बोलो गोल्ड का जी तक नहीं है, तो फिर आपको आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। मतलब एक गलत एक दूसरा चीज मतलब मिस रिप्रेजेंट के साथ साथ फ्रॉड भी हो गया आपके साथ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो सकता है कि वो गलती से कर दिया हो, अगर ऐसा है तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, अगर जानबूझ के किया तो आपके साथ फ्रॉड किया। इस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मतलब जो पर्टिकुलर दुकानदार के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वो दुकानदार तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, लेकिन क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहोगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे एग्रीव पार्टी। क्या पार्टी? एग्रीड पार्टी। जो पार्टी के साथ धोखा हुआ है उनको कहा जाता है एग्रीड पार्टी, या फिर जो पार्टी के साथ मारपीट किया जा रहा है कि भाई जबरदस्ती भाई तुमको करना ही पड़ेगा नहीं तो तुमको सूली में चढ़ा देंगे, भाई तुमको करना ही पड़ेगा नहीं तो तुमको कट्टा के सामने मतलब वो बोलते हैं ना गान पॉइंट में लगा के, ये अंडर इन्फ्लुएंस या कोर्शन होता है, तो गान पॉइंट में किसी को डरा के धमका के, तो जिसके साथ भी ऐसे करके किसी को किसी भी तरह का साइन करवा जाता है। जैसे किसी किसी केस में वो मतलब हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जबरदस्ती वो घर का कोई बुजुर्ग है दादाजी या कि पापा है वो उसका उम्र हो चुका है तो उसको जबरदस्ती गान पॉइंट में लगा के भाई साइन करो नहीं तो अभी मार देंगे, इस तरह का कुछ भी दिखाते हैं। तो जो भी ऐसा रियल लाइफ में भी होता है तो ये कोर्शन है, ठीक है। तो जो भी एग्रीव्ड होता है उनके तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के तरफ से तो वैलिड है, दूसरा पार्टी के तरफ से वैलिड नहीं है। मतलब एक पार्टी के तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है लेकिन दूसरा पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट को करना नहीं चाहता, तो फिर बात क्या हो गया? डिस्प्यूटेड हो गया। अब ये डिस्प्यूटेड केस कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में कोर्ट का जो जजेस और लॉयर के सामने ये बात प्रूव करना पड़ेगा कि जो पार्टी बोल रहा है कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रहा है, धोखा हो रहा है, जो भी ये बोलेगा वो अगर प्रूव कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया या फिर वो उस टाइम पे बोल दिया कि नहीं मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुआ था, वो मैंने गलत फहमी में आके ऐसा बोल दिया था, मैं समझ नहीं पाया था, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। मतलब वॉइडेबल पोजीशंस में रहने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। वो डिस्प्यूटेड पे है, वो आगे कोर्ट में क्लैरिटी होगा कि वो वॉइड है या वैलिड है। ये देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइन बताता है, एट दिस जंक्चर इट वुड बी डिजायरेबल टू नो दैट distinction between void contract and a voidable contract. तो यहाँ पर definitions भी दिया कि void contract cannot be enforced at all. Void contract तो किसी भी तरीके से enforce नहीं हो सकता, but voidable contract is an agreement which is enforceable only at the option of one of the parties, but not at the option of the other. एक पार्टी के लिए तो possible है पर दूसरा पार्टी के लिए possible नहीं है. Therefore, enforceability or otherwise divides the two types of contract. मतलब ये void and voidable का जो enforceability है ये इसका characteristics के लिए ये दोनों चीज different हो जाता है। दोनों का nature में अगर बात करें, by nature a void contract is valid at the time when it is made but becomes unenforceable and thus void on account of subsequent development of events like supervening impossibility, subsequent illegality. मतलब जो चीज void है क्योंकि इसलिए void है क्योंकि वो impossible to performance है, उसका illegality कुछ matter आ सकता है future में. Repudiations of voidable contract also renders the contract void. Similarly, a contingent contract might becomes void when the occurrence of the event on which it is contingent becomes impossible. मतलब ये जो last line जो था, the repudiation of voidable contract also renders the contract void. Similarly, a contingent contract क्या होता है मैं आपको एक बार बता दूं. Contingent contract जो future event पे depend करता है,
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. आप लोगों के पास ऐसा बहुत सारा सामान होता है या फिर हम लोग जो भी कोई भी चीज परचेस करने जाते हैं लाइक मोबाइल फोन हो गया, रिस्ट वॉच हो गया या फिर कोई भी चीज, हम लोग स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल चीज पे हम लोग ज्यादा बात करते हैं कि भैया वारंटी या गारंटी कुछ है क्या. तो वो बोलता है कि अगर कभी भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो या फिर डैमेज हो, 1 ईयर तक गारंटी है या फिर 6 मंथ्स तक वारंटी है. ये वारंटी या गारंटी, गारंटी में रिप्लेस होता है और वारंटी में रिपेयरिंग होता है. अब पॉइंट है कि अगर वो ये जो वारंटी गारंटी बोला ना, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है. अगर कभी भी फ्यूचर में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खराब होता है तो कंपनी आपको रिप्लेस या रिपेयर करके देगा. अगर फ्यूचर में वो घटना नहीं होता है तो रिपेयर या रिप्लेस नहीं होगा. इसका मतलब ये जो पॉइंट था सिमिलरली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट बिकम्स वॉइड. मतलब हो सकता है कि वो बोला था कि वारंटी देगा लेकिन अगर बाद में वो चीज हुआ ही नहीं, मतलब बाद में वो जो पर्टिकुलर चीज खराब होना था वो हुआ ही नहीं, तो वॉइड हो जाएगा. सिंपल है. व्हेन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ऑन विच इट इज कंटिंजेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. मतलब वो ऑकरेंस मतलब क्या, वो पर्टिकुलर मैटर होना था ना, आपका मोबाइल खराब होना था तो जाके वो कंपनी आपको वारंटी देगा. वो बोला था कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी देगा लेकिन आपका मोबाइल खराब हुआ ही नहीं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया. तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है और जब तक वो लास्ट पोजिशन तक नहीं आता वो क्या रहता है, वॉइडेबल में रहता है. तो ये था वॉइडेबल का मैटर्स. आई होप कि क्लियर है, इतना भी टफ कुछ नहीं था. यहाँ पर बहुत इजीली समराइज किया गया वॉइड एंड वॉइडेबल को. प्लीज एक बार इसको गो थ्रू करना, मैं इस पर बात कर चुका हूँ. अभी मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई कभी कभी कोई कही ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को ना थोड़ा मिक्स्ड अप कर देते हैं. पर मैं आपको बता दूं कि मिक्स्ड अप मत कीजिए इसको, क्योंकि ये दोनों अलग होता है. इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड. मतलब ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ मना करता है होने से, जिसको होने से लॉ मना करता है वो इलीगल है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं मना करता, वो उसका कैरेक्टर मना करता है. ठीक है, द कोर्ट विल नॉट, मतलब हो सकता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कल वैलिड बन जाए बट इलीगल चीज वैलिड बनेगा ये होने पे टाइम लगेगा, ये बहुत इंपॉसिबल है. द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जो चीज इलीगल से बना हुआ हर एक चीज इलीगल है. कनेक्टेड मतलब हर एक चीज, मतलब मानो कि आपने चोरी किया और चोरी से आपने घर बनाया, चोरी का जो पैसा था उससे आप टैक्स भी भरे. आपका चोरी इलीगल है लेकिन आपने टैक्स भर दिया तो आपका ब्लैक मनी वाइट हो गया. मतलब आपका पैसा टैक्सेबल, जैसे ही पैसे कोई भी इनकम से अगर टैक्स दिया जाए तो वो मनी लीगल हो जाता है. कोई भी इनकम से अगर टैक्स दिया जाए तो आपका वो इनकम लीगल हो जाता है और आपके पास पड़ा हुआ पैसा वाइट मनी हो जाता है, उसको ब्लैक मनी नहीं कहेंगे. लेकिन अगर वो इनकम आपका चोरी से है तो आपका काम ही तो इलीगल हो गया ना. इसीलिए मतलब आपने अगर इलीगली कोई भी चीज़ इनकम किया, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड. द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इलीगल चीज से बना हुआ हर एक चीज इलीगल है, इलीगल चीज से बना हुआ हर एक चीज इलीगल है. इस पे अगर मैं आप लोगों को एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है इसके ऊपर, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा. जिसको पता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता एज ए स्टोरी आप याद रख सकते हो. इसमें कोई जाति धर्म का बात नहीं है, बस एक स्टोरी है. अपने रामायण में विश्वामित्र मुनि बोल के एक बहुत फेमस वाल्मीकि जी, हाँ, जिसने रामायण लिखा था. वाल्मीकि जब रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि जी ना एक जगह पे साधना कर रहा था, और एक्चुअली वाल्मीकि जो थे ना वो एक बहुत फेमस डेकॉयट थे उस टाइम का. तो वाल्मीकि डेकॉयट थे तो वो क्या करता था, मतलब राहजानी करता था, लोगों को दिन दहाड़े मारता था, कूटता था, ठीक है, तो और चोरी करके घर पे बहुत पैसा लाता था. तो एक दिन वो अपने मतलब उसका वो अपने वाइफ को और अपने माँ को बच्चे को बोला कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम लोग खुश हो ना. तो उसका माँ और तो बोला कि क्या करते हो, तो उसको बोला कि इस तरह से चोरी छिनताई करके करता हूँ. मैं स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए बोला, उसमें और भी बहुत सारा बात है. तो बस कहानी का जो मेन सार यही है कि उसका घर में उसका माँ या फिर उसका वाइफ जो भी थे, उनका कहना है कि आपका जो कमाने का तरीका है इलीगल है, इसका भागीदार हम नहीं मानेंगे, इसका जो भागीदार है हम नहीं बनेंगे. उसके बाद से ये जो अपना वाल्मीकि जी थे वो चोरी करना तो बंद करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था. तो उनको क्या प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट वेट करो ना थोड़ा सा.
हाँ तो पॉइंट ये है कि तो फिर वाल्मीकि जिन्हें नारायण से मिला, तो नारायण मुनि जो नारद जो होते हैं ना, वो बोला कि एक काम करो, तुम राम राम करो और तुम तपस्या करो। तो वो ना राम राम करना चालू किया, तो राम 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 वो बोल ही नहीं पा रहा था वो, क्योंकि सबको मारता था तो बस एक ही बात कर रहा था, मरा 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 मरा। तो वो मरा मरा करते करते ना वो राम में बदल गया, ठीक है। मतलब पहले वो मरा मरा कर रहा था, मरा मरा मतलब क्या, किसी को मारना, बाद में वो क्या बन गया, मरा मरा चार बार बोलने से ना राम हो जाता है, देखो एक बार करके, मरा मरा रामा 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 हो जाएगा, मरा 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 मरा। तो पॉइंट क्या है कि वो इल्लीगल से करता था, ठीक है, यहाँ पर कोई रिलीजियस बेस बात नहीं था, मैं क्लियर कर दूं कि ये जस्ट एक एग्जांपल था, ओनली स्टोरी था जो आपको मैं यहाँ कनेक्ट कर पाऊँ। इल्लीगल मैटर क्या होता है, जैसे वाल्मीकि जी का इल्लीगल जो भी एक्टिविटी था वो उसका फैमिली ने मना कर दिया था, और फिर बाद में वो ध्यान वगैरह करके मतलब एक अच्छा इंसान बने थे और बाद में रामायण भी रचा था, ठीक है, जो रामायण हिंदू सिस्टम में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, मतलब एक बहुत ही रेस्पेक्ट का चीज़ है। तो वो अलग बात, लेकिन पॉइंट ये है कि इल्लीगल चीज़ से बना हुआ हर एक चीज़ इल्लीगल है, जो वाल्मीकि ने भी प्रूफ किया और करेंट जो मॉडर्न लॉ है ये भी प्रूफ करता है। ओके ओके, कॉन्ट्रैक्ट में एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये देखो वाल्मीकि जो कॉन्सेप्ट है वो इमोरल कॉन्सेप्ट्स में बना था, मतलब वो इमोरल है। तुम घर पे माँ अपने बेटा बेटी को माँ को खिला रहे हो और तुम चोरी करके खिलाते हो और तुमको लगता है कि भाई मैं तो क्या महान काम कर रहा हूँ। अपने सोसाइटी में ऐसा बहुत सारा लोग है जो लोग ना बहुत ही इलीगल या दो नंबरी उपाय से कमाते हैं और अपने घर में बहुत पैसा करते हैं और उनका बीबी बच्चे लोग ना बहुत फुटानी मारते हैं, फुटानी मतलब बहुत ही मतलब रुतबा दिखाते हैं अपना, लेकिन वो रुतबा इलीगल वे से आने वाला पैसे से बना है, दूसरे का लूटा हुआ धन से बना है। उसमें ना रुतबा दिखाने का कोई बात नहीं, उसको तो सर झुका के चलना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो चीज पब्लिक पॉलिसी से अपोज में हो, ठीक है। जैसे पब्लिक का गरीब का चीज लूट के जब कोई भी कोई चीज करता है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे आप लोग देखेंगे कि ये सरकार के तरफ से बहुत सारा चीजें बनाया तो जाता है, लेकिन वो सरकार का वो बनाया हुआ चीज कोई दूसरा आदमी ना अपने यूज के लिए यूज कर लेता है। मतलब जैसे एक सिंपल सा बात बताऊं कि ये जो सरकारी लेवल में जो भी ऑफिस होते हैं, म्यूनिसिपल ऑफिस होता है, पंचायत ऑफिस होता है, ये म्यूनिसिपल ऑफिस पंचायत ऑफिस इसलिए बना जाता है ताकि वहाँ पर आप लोग बात को समझना गहराई को, पंचायत ऑफिस म्यूनिसिपल ऑफिस उस पर्टिकुलर म्यूनिसिपल एरिया का जो लोग है उनको सर्विस देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन रियलिटी में अपने इंडिया में क्या होता है, वो पंचायत ऑफिस या फिर वो म्यूनिसिपल ऑफिस पार्टी का जो वर्कर लोग है उनका अड्डा मारने का जगह होता है। इवन नॉर्मल जो सिविलियंस है, नॉर्मल जो पब्लिक है, वो तो वहाँ जाना पसंद तक नहीं करता क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल लोग होते हैं और पॉलिटिकल लोगों का जो बिहेवियर अपने देश में कल्चर जो बना है सब डरते हैं मैक्सिमम केस में। अगर किसी जगह में 10% अच्छा है, हैट्स ऑफ टू देम, बट 90% केस में तो लोग सब उनसे डरते हैं। और इसका मतलब यही हो गया कि वो जो भी करते हैं वो इमोरल एक्टिविटी करते हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला एक्टिविटी करते हैं और वो इलीगल इन नेचर है, क्योंकि वो पंचायत ऑफिस या म्यूनिसिपल ऑफिस वो पब्लिक का प्रॉपर्टी है, वो किसी पार्टी का दलाल लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ये बात हम लोग भी नहीं समझते और हम लोग भी अपना हक नहीं मांगते, और फिर अपने एरिया में जब रास्ता खराब होता है, नल में पानी नहीं आता, हम लोग भी चुप ही रहते हैं क्योंकि हम लोग इस इलीगल को बढ़ावा देते हैं। तो सिंपल सा मैटर है ये, मैं कुछ सोशल मैटर्स पे बात कहा कि आज अगर किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट का हालत खराब है उसका रीजन उस कंट्री खुद और वो स्टेट खुद होता है, वहाँ का लोग खुद होते हैं। कल मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि बंगाल का क्या खराब हालत है, मतलब एक कोलकाता को लेके बंगाल बस एक सिटी है बस इसीलिए, लेकिन पूरा वेस्ट बंगाल ऑल ओवर इंडिया में पर कैपिटा इनकम पे 25th पोजीशन में आता है आउट ऑफ 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जस्ट इमेजिन कि हम लोग बंगालीज लोगों को ना बहुत प्राउड फील होता है कि वी बंगालीज आर दोज, वी बंगालीज आर दैट, हम लोग ये थे, हम लोग वो थे। मैं आपको बता दूं कि करंट लेवल में कुछ नहीं है, करंट लेवल में बंगालीज का ना वो प्राइड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइड तभी होना चाहिए जब आपके पास कुछ हो। मैं रियलिटी फैक्ट में मतलब विश्वास करता हूँ, मैं खुद एक बहुत मतलब एकदम हार्ड कोर बंगाली हूँ बाई हार्ट से, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कुछ बनेंगे ना तब जाके कुछ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस दिन ये पर कैपिटा इनकम में फिनेंशियली हम लोग भी टॉप लिस्ट में रहेंगे ना, उस दिन हमें भी प्राउड फील करना चाहिए। फिनेंशियली बैकवर्ड रह के हम लोग कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, उसमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। ये मैं अपने बंगाल के बारे में बोला, आप लोग जो जो स्टेट से बिलोंग करते हो आप लोग अपने अपने बारे में ऐसा सोच सकते हो।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड. जो भी एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्स नहीं हो सकता वो क्या हो जाएगा, वॉइड. द एक्ट हैज बीन स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच एन एग्रीमेंट मे बी कंसीडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट. वन ऑफ दिस फैक्टर्स इज अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. That is illegality of the contract which makes it void. The illegal and void agreement differ from each other in the following aspects. यहाँ पर एक बहुत interesting point है, illegal and void में क्या क्या difference आ सकता है. ऐसे तो illegal चीज void हो ही जाता है, लेकिन क्या हमेशा हर एक void चीज illegal होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. कि जैसे currently घर से बाहर निकलना void है, लेकिन इसको illegal नहीं कह सकते. घर के बाहर बिना कारण में बिना वजह में रहना void है, लेकिन illegal नहीं. illegal क्या है? चोरी करना, डकैत करना, किसी का धन लूटना, ठीक है, गलत तरीके से गलत उपाय से मतलब रोजगार वगैरह करना, ड्रग्स अफीम वगैरह का ट्रेडिंग करना, एंटी सोशल एक्टिविटीज करना, इंडिया में रह के इंडिया का एनिमी का काम करना. जैसे अपने इंडिया में होता है ना, इंडिया में रहता है लेकिन इंडिया का ही खराबी करता है, इलीगल है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इलीगल एंड वॉइड में क्या मेन डिफरेंस है. सबसे पहले तो स्कोप. All illegal agreements, ये question पूछता है, it's a very famous question. All illegal agreements are void. However, all void agreements are not illegal. Despite this, there is a similarity between illegal and void agreements that in both the cases, it is void, ab initio, and cannot be enforced by law. Please mind this, void ab initio. Void ab initio का मतलब होता है, शुरू से ही void. Ab initio, initio मतलब English में initial, ये Latin word है, ab initio. अब इनिशियो मतलब इनिशियल स्टेज से ही जो वॉइड होता है, इनिशियल स्टेज से ही जो वॉइड होता है उसको बोला जाता है वॉइड अब इनिशियो. तो पॉइंट क्या है, हर एक इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल. डिस्पाइट दिस देयर इज सिमिलरिटी, इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स दोनों वॉइड अब इनिशियो होता है, और ये दोनों चीज कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं हो सकता, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. कोई भी इलीगल मैटर्स पे, कोई भी वॉइड मैटर्स पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप नहीं हो सकता. आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर है. नेचर एंड कैरेक्टर में अगर बात करें, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड सिंस द वेरी बिगिनिंग, दे आर इनवेरिएबली डिस्क्राइब्ड एज ए वॉइड अब इनिशियो एज ऑलरेडी एम्फसाइज्ड अंडर दिस स्कोप. अ कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर व्हिच इज वैलिड कैन सब्सिक्वेंटली चेंज इट्स कैरेक्टर एंड कैन बिकम वॉइड. मतलब इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड क्यों है, दे आर बिगिनिंग सिंस द वेरी बिगिनिंग दे आर इनवेरिएबली डिस्क्राइब्ड. जैसे मैंने अभी बताया ना, वो वाल्मीकि का जो इलीगल एक्टिविटी था, उसको लोगों को मार कूट के पैसा लाता था, तो वो पैसा तो शुरू से ही इलीगल है, वो पैसा शुरू से ही इलीगल है. लोगों को मार के लोगों का लूटा हुआ धन कभी लीगल हो सकता है? तो मतलब वेरी बिगिनिंग इलीगल है, दे आर इनवेरिएबली डिस्क्राइब्ड एज वॉइड अब इनिशियो. इफेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी में, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस. कोलैटरल ट्रांजैक्शंस पे जो मेन पॉइंट है, इफेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शन इन द केस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इवन द कोलैटरल ट्रांजैक्शंस नेमली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टू बी कंपाइल्ड विद बिफोर और आफ्टर और कॉन्करेंटली अलोंग विद मेन कॉन्ट्रैक्ट आल्सो बिकम्स नॉट एनफोर्सेबल. इन कॉन्ट्रास्ट, इन द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द कोलैटरल ट्रांजैक्शंस कैन बी एनफोर्स्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मेन कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वॉइडेबल. टू द एक्सटेंट द कोलैटरल ट्रांजैक्शंस आर कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली. ये जो पॉइंट है ये थोड़ा अलग है. हम लोग अभी देख रहे थे कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा कंसेंट्रेट देना, ट्रिकी पार्ट है थोड़ा सा. नॉर्मली इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड हो जाता है. बट कोलैटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब पहले बता दो, ये कोलैटरल होता क्या है. आप लोग बैंक में जाते हो, लोन लेते हो, और कभी कभी मैक्सिमम केस में आपको लोन के बदले बैंक में कुछ गिरवी रखना पड़ता है. तो बैंक में हम जो लोन के बदले जो भी मॉर्गेज या गिरवी रखते हैं, वो मॉर्गेज को कहते हैं कोलैटरल. ठीक है, तो यहाँ पर कोलैटरल का मतलब वही कि कोई भी चीज पाने के लिए जो एक इक्वल वैल्यू का चीज कहीं दूसरा जगह में देना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल. यहाँ पर ये जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में जो कोलैटरल यूज होता है, इवन द कोलैटरल ट्रांजैक्शन नेमली ट्रांजैक्शन शुड बी कंपाइल्ड विद बिफोर और आफ्टर कॉन्करेंटली अलोंग विद मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिकम नॉट एनफोर्सेबल. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है और उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल ट्रांजैक्शंस लीगल था, लेकिन फिर भी वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता. मतलब आपको लोन मिला, लोन लीगल है, लेकिन लोन के बदले आपने मॉर्गेज रखा, आपके पास मानो कि आपने वीड्स का खेती करके रखा था, और बैंक को बोले कि मेरा वो वीड्स का खेती आप गिरवी रख लो, ठीक है, कोलैटरल पे दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इलीगल हो जाएगा. ठीक है,
एकदम सिंपल सा पैटर्न है। वीड्स मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं गांजा, ठीक है, बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं गांजा, या किसी किसी जगह में इसको चरस भी मोस्ट प्रोबेबली कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता, मैं बस आपको बस एक आइडिया देने के लिए बोला। लास्ट पॉइंट जो है दैट इज पेनल्टी और पनिशमेंट। पेनल्टी और पनिशमेंट, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर पनिशेबल अंडर डिफरेंट लॉ एज लाइक इंडियन पेनल कोड, वेरियस पार्टीज टू वॉइड एग्रीमेंट डू नॉट फेस सच पेनल्टीज और पनिशमेंट। यहाँ पर जो पनिशमेंट है, जो पार्टी के साथ मतलब वॉइड एग्रीमेंट में कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में जो भी इलीगल एग्रीमेंट करता है उनको पनिशमेंट दिया जाता है एज पर पेनल कोड के हिसाब से। वो जो पेनल कोड वाला लॉ है वो सिविल लॉ में आता है, जो लोग एलएलबी करता है उनको ये सब डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, वो हमारा इस पढ़ाई का पार्ट करेंटली नहीं है, ये मैं आपको बता कर। अच्छा क्या हो रहा है आदित्य, बार बार आउट क्यों हो जा रहा है, कोई किसी को आउट कर रहा है क्या, या फिर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है? सर नेटवर्क इशू था, थोड़ा सर बाहर हो गए थे। अच्छा, नहीं मतलब कोई बाहर कर नहीं सकता क्योंकि मैंने ऑप्शन ऑफ कर दिया। हां सर वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। ठीक है सर, इखने একটা কথা শুনতে পাইনি। কোন কথাটা বলো? ওই ইললিগ্যাল কন্ট্রাক্টে যদি কোলাটারাল নেওয়া হয় তাহলে লিগ্যাল হয়ে যাবে না ইললিগ্যাল হয়ে যাবে? জায়গাটা ইললিগ্যাল, ইললিগ্যাল হয়ে যাবে। ইললিগ্যাল কন্ট্রাক্টের কোলাটারালটাও ইললিগ্যাল, মানে যদি কোনো ধর इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे, अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है लेकिन उसका कोलेटरल लीगल था सपोज, ठीक है, लेकिन वो भी इलीगल हो जाएगा अगर कोलेटरल भी इलीगल होता है तो मेन कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल हो जाएगा। सपोज बैंक से लोन लेना लीगल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो कोलेटरल था वो इलीगल था, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट लीगल था फिर भी, क्योंकि कोलेटरल इलीगल है तो वो इलीगल हो जाएगा। फिर है ना, कॉन्ट्रैक्ट लोन का कॉन्ट्रैक्ट लीगल था लेकिन कोलेटरल इलीगल था, क्योंकि कोलेटरल इलीगल है तो मेन कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल हो जाएगा। सेम टू सेम वाइस वर्सा, मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था, कोलेटरल लीगल था, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा। आई होप क्लियर। ओके अच्छा, वॉइड एंड इलीगल में डिफरेंस प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना मां मेरे भाई लोग। अच्छा ओके, पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हो। ओके प्लीज म्यूट कर दो, अभी लास्ट में बात करेंगे, और कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट एक बार कर लो। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात करें, अनइनफोर्सेबल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता, पर ए कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल डिफेक्ट दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग बेयर्ड बाई लिमिटेशन एटसेट्रा वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा हटके पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट इज गुड, सब्सटेंस मतलब जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस में हो रहा था, मैटर पे हो रहा था, वो भी सही था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। सपोज जैसे बोला कि राइटिंग में कोई एविडेंस नहीं है, राइटिंग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ बेयर्ड बाय लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशंस लगा के रखा है। सपोज लॉ में ही कुछ चेंजेस नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसलिए नहीं हो सकता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सही था लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि कुछ मैटर अवेलेबल नहीं है, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा केस में दोनों पार्टी कोई भी एक दूसरे को सू नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे एक एग्जांपल, मेरे घर पे बिजनेस है पापा का, तो वहां पर एक ऐसा केसेस हुआ था। तो बिजनेस एक्चुअली बेसिकली टिम्बर का है, टिम्बर बिजनेस मतलब आप लोग जानते होंगे वो जो फॉरेस्ट का जो लकड़ी होता है जो घर या फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो पापा जो है वो फॉरेस्ट का मतलब रजिस्टर्ड मर्चेंट है, ठीक है, तो पापा फॉरेस्ट में ऑक्शन होता है, जो फॉरेस्ट जो होता है ना हर जगह में, हर एक फॉरेस्ट काटा नहीं जाता, कुछ पर्टिकुलर कॉमर्शियल फॉरेस्ट होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट का जगह में आता है, और वो पर्टिकुलर स्टेट उस फॉरेस्ट को कॉमर्शियल यूज के लिए जो पब्लिक के डिमांड के लिए किया जाता है। ऐसे तो फॉरेस्ट को नॉर्मली काटना, कोई भी पेड़ आप घर पे अगर आपका पेड़ भी हो ना आप उसको काट नहीं सकते, आपका घर का कोई भी ट्रीज आप कट मतलब कट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पेड़ काटना एज पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इलीगल है। अगर मानो कि आपके घर में एक बड़ा सा पेड़ हो, कोई भी जो पेड़ है, हाँ पौधा नहीं, पेड़ मतलब ट्रीज, जिगलो के हमारा बांग्ला बोली गाछ, बड़ो गाछ, हाँ सपोज सॉल ट्रीज, सेगुन ट्रीज मतलब टी कोड्स, ऐसा कोई भी वैल्यूएबल हो या फिर अनवैल्यूएबल हो, मैंगो का ट्रीज आपके घर में है जो काफी बड़ा है, और आपका मन हुआ कि आपके घर में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको काट देंगे, अगर मेरे को मैं अगर जाके पुलिस को बोल दूं अरे, या फिर फॉरेस्ट ऑफिस में जाके बोल दूं ना, तो आपको जेल लेके जाएगा, ऐसे ट्री काटना इलीगल है।
लेकिन अगर आप फॉरेस्ट मर्चेंट के थ्रू से करोगे तो फिर वो लीगल है, लेकिन उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो ये जंगल तो ऐसे ही साफ हो रहा है और साफ हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है, मेनली पॉइंट है कि ये जो गवर्नमेंट का जो ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन से जो भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है, तो ऑक्शंस में ना ये मेरा पापा लोगों का जो मर्चेंट का जो एसोसिएशन थे, ये लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ थोड़ा चलाकी किया था। चलाकी इन द सेंस धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, अगर धोखा देना था तो वो लोग ऑक्शन ही नहीं करता ना। मेनली क्या किया वो लोग, क्या करता था, ऑक्शन होने से पहले अपने अंदर एक टाई अप कर लेता था। टाई अप कैसे, सपोज एक लॉट होता है लकड़ी का ना, लॉट होता है वुड्स का, तो लॉट जैसे कि लॉट कैसे होता है CFT के हिसाब से होता है, क्यूबिक फुट। तो मानो कि एक जगह में 5 CFT माल है, 5 CFT मतलब 5 क्यूबिक फुट का टिम्बर का मतलब सॉरी वुड का एक जगह है। तो ये मानो कि 10 मर्चेंट है, ये लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट तो चाहता है कि मिनिमम दाम लगा के रखा है 40,000, मैक्सिमम उस पर्टिकुलर लकड़ी का जो लॉट है वो 2 लाख 2.5 लाख में बिकेगा। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम दाम पाना चाहता है, लेकिन ये बिजनेसमैन लोग अपना प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए अपने ही अंदर एक टाई अप कर लेता है कि भाई कोई भी 1.5 लाख से ज्यादा दाम नहीं देगा। बोली होगा 50,000 से गवर्नमेंट अगर बोली चालू करता है, ऑक्शन में होता है ना 50,000, कोई फिर नेक्स्ट टाइम पे बोलता है 50,500, फिर कोई बोलता है 50,000 60,000, इस तरह से बोली होता है। आई होप यू नो आप लोग ये सब मूवीज वगैरह में देखे होंगे। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से बीडिंग होते हैं, आजकल ऑनलाइन पे होता है ये ऑक्शन का भी। तो जैसे ये बीडिंग होता है, तो ये बीडिंग होने से पहले ये लोग क्या किया, एक पर्टिकुलर जगह में ये लोग मीटअप करके और ये लोग अपना प्रोडक्ट का दाम को ना मैक्सिमम 1.5 लाख तक सीमित कर दिया, मतलब गवर्नमेंट का हाथ पैर बांध दिया। क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा दाम पे बिकता है तो फिर ये लोगों को बाद में दिक्कत क्या हो रहा था, मार्केट में माल को सेल करने में दिक्कत हो रहा था, प्रॉफिट बुक नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट को बोलने से भी गवर्नमेंट को स्टेप्स नहीं ले रहा था, गवर्नमेंट को वो लोग बार बार बोल रहे थे कि दाम थोड़ा कम किया जाए ताकि हम लोग भी मार्केट में सेल करके प्रॉफिट बुक कर पाए, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि सुन नहीं रहा था। तो ये लोग अपने ही आप में, और ऑक्शन होने से पहले ना ऑक्शन नोटिस आ जाता है, तो ऑक्शन होने से कम 1 मंथ पहले ऑक्शन का नोटिस आ जाता है। तो ये लोग क्या किया, एक पर्टिकुलर जगह में मीटअप करके वो लोग तय कर लिया कि भाई 5 जन है तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाद में सेल होकर मिलेगा वो हम लोग खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये सब चीज शुरू शुरू में गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा था, फिर बाद में जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ना ये लोगों को उठा के लेके गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह से ये लोगों को गवर्नमेंट उठा के लेके गया। और गवर्नमेंट का कहना था कि ये लोग कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर बाद जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, तो मैं वहां पर प्रेजेंट था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस थे और जो गवर्नमेंट का लॉयर थे, तो गवर्नमेंट लॉयर ने गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का कहना है कि मर्चेंट लोग गवर्नमेंट का प्रोडक्ट सेल होने से पहले ही सेल कर दे रहा है, ठीक है। ये था गवर्नमेंट का मतलब केस सू का पॉइंट, कि सेल होने से पहले ही बिजनेसमैन लोग गवर्नमेंट का प्रोडक्ट सेल कर दे रहा है। अब जजेस जज का कहना है कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि कोई भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट सेल करने से पहले उसका मर्चेंट, रजिस्टर्ड मर्चेंट उसको सेल कर दे। तो फिर घोटाला तो गवर्नमेंट में ही है, क्योंकि सेल होने से पहले कैसे सेल हो सकता है। तो जब जज ने लॉयर को पूछा, गवर्नमेंट लॉयर को, कि प्रूव इट ना कि सेल होने से पहले ही सेल हो जाता है, तो फिर बोला नहीं, इन लोगों को मीटिंग करते हुए हम लोग पकड़े गए। तो फिर बिजनेसमैन का लॉयर का कहना था कि भाई मीटिंग तो हम लोग किसी भी बात में कर ही सकते हैं, इसमें किसका क्या रोक टोक। अगर हम गवर्नमेंट का ऑक्शन बॉयकॉट करते रजिस्टर्ड मर्चेंट होने के नाते, तो गवर्नमेंट बोलता कि हाँ भाई तुम लोग रजिस्टर्ड हो फिर भी बॉयकॉट कर रहे हो, ये तो फिर तुम लोगों को एक टाइम के बाद नोटिस देके बाहर कर दिया जाएगा, एकदम सिंपल लॉजिकल था। लेकिन गवर्नमेंट प्रूव ही नहीं कर पाया, तो जज ने लास्ट में बोला कि फालतू में इतने इज्जतदार बिजनेसमैन लोगों को आप लोग पकड़ के रखे हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बता दूं, ये बिजनेसमैन लोग ना थोड़ा सा चालाकी जरूर कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ, मतलब पापा और भी जो भी पार्टीज थे, ये चालाकी क्योंकि गवर्नमेंट चालाकी करने दे रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लॉ को उतना स्ट्रांग नहीं बना के रखा था और अपना बिजनेस पॉलिसी चला नहीं पा रहा था, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस पर्टिकुलर बिजनेस को देखता है वो उसको प्रॉपरली चला नहीं पा रहा था, इसीलिए तो बिजनेसमैन लोग अपना, और कौन सा बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट नहीं देखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपना पॉलिसी देखता है अपना ट्रेजरी को भरने के लिए, तो बिजनेसमैन भी तो अपना ट्रेजरी देखेगा अपना पॉलिसी के थ्रू से, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई इलीगलिटी का बात तो आता ही नहीं है। हाँ यान, आप लोग क्या कहते हो? ठीक है, तो पॉइंट यही हो गया कि उन लोग का मतलब जो ये था वो पूरा का पूरा गुड था, लेकिन फिर भी सब्सटेंस भी गुड था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनको कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं दिया जा रहा था।
अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये बिजनेसमैन को बैम्बू देने के लिए, क्योंकि सभी थोड़ा सा ओल्ड फैशन बिजनेसमैन थे, तो उनको बैम्बू देने के लिए पूरा का पूरा चीज़ ऑनलाइन ऑक्शन मोड पे ला दिया। और जैसे ही ऑनलाइन ऑक्शन मोड पे ला दिया तो मेरे पापा जैसे लोगों को थोड़ा दिक्कत में आ गए, पापा थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे। फिर मैं पापा को बोला एकदम गुस्सा मत करो, फिर मैं अपने सिस्टर को बुला के उसको ट्रेनिंग दे के उनको घर भेज दिया कि भाई अभी हो जाएगा और आसान रहेगा, अच्छा है कि कम से कम धूप में जाके जलना नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू शुरू में बहुत को बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट वेरी कंप्यूटर फ्रेंडली, और ऊपर से इंटरनेट और ऑनलाइन के थ्रू से ऑक्शन करना थोड़ा तो स्किल चाहिए, आप लोग समझ सकते हो। तो जो भी हो, तो इस तरह से स्टार्टिंग में उन लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना भी अनइन्फोर्सेबल बन रहा था। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारा केसेस आगे भी हम लोग देखेंगे। ये मेरे साथ मेरा घर पे हुआ एक केस था, तो ये आप लोगों के सामने मैंने उठाया। दूसरा पॉइंट में मैं बात करता हूँ ऑन द, अच्छा ये एक पढ़ाव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दैट इज दिस पार्ट, ये पार्ट पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी हैव डन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डन, इलीगल एग्रीमेंट डन, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो डन। अगर इस सेक्टर से किसी को कुछ क्वेश्चन करना है आप लोग 2 मिनट में कर सकते हो। हेलो सर, बोलो। वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी में कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो फिर मैं फॉर्मेशन में मूव ऑन कर सकता हूँ। यस सर। ओके ठीक है, म्यूट करो, मैं फॉर्मेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन एक चीज करूंगा आप लोग, और एक 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 फैसिलिटीज है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, ये बार बार आप लोगों को म्यूट करके वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करना है। मुझे क्या करना है ना, एक मैसेज बॉक्स होता है, वो मैसेज बॉक्स में आप लोग टाइप करेंगे ना तो मैं ऑनलाइन देख पाऊंगा, मुझे वो एनेबल करना है। मैं नेक्स्ट दिन से देख रहा हूँ। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, मैं आप लोगों का रूटीन रेडी कर लिया, शेड्यूल जो है आप लोगों का, तो मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ अभी कि आप लोगों का नेक्स्ट क्लास है सैटरडे 10 AM को। ठीक है, और डिटेल्स रूटीन में आप लोगों का बना लिया, मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा सबके साथ। मैं बस अभी बता दिया सैटरडे 10 बजे क्लास है, फिर आप लोगों को फिर से पूछने का जरूरत नहीं है सर नेक्स्ट क्लास कब है। और इस बार इसके बाद शेड्यूल मिल जाएगा आप लोगों का। शेड्यूल नॉर्मली ऐसा रहेगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, लेकिन इस बार सैटरडे होने के बाद नेक्स्ट वीक से मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 दिन में इंटर लोगों के लिए रखा, फिर धीरे धीरे जैसे और समय बढ़ेगा मैं और भी क्लास का जो भी है वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही रखेंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशंस पे बात करते हैं। आज फॉर्मेशंस कंप्लीट शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना होता है मैं देखता हूँ थोड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे पहला बात, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। अगर टर्म वर्ड्स इन राइटिंग में होता है या वर्ड्स में होता है, या तो आप मुंह पे बोलो या फिर आप लिख के दो, तो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। मतलब कोई भी प्रपोजल कोई किसी को करता है, कोई किसी को ऑफर करता है, चाहे मुंह पे बोल के करे या फिर लिख के दे के करे, ठीक है, दोनों चीज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। वो एक एयरटेल का एड आता था पहले, पता नहीं आप लोग टीवी में या देखे होंगे कि नहीं, एयरटेल में ऐसा एड आता था, एयरटेल एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, तो एक्सप्रेस योर सेल्फ मतलब एकदम सिंपल है कि जब तक आप किसी को कुछ बोलोगे नहीं तो अगला को समझ में आएगा कैसे कि आप कहना क्या चाहते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक्सप्रेस होना जरूरी है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो, इट टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर 2 lakhs एंड बी इन रिप्लाई इनफॉर्म्स दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। ए बी को टेलीफोन करके बोला कि वो अपना घर बेचना चाहता है 2 lakh में, एंड बी भी उसको रिप्लाई में बोला ए को दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर, टेलीफोन में ही बोला। तो क्या ये ऑफर वैलिड है? हाँ, एकदम वैलिड है फॉर्मेशन के बेसिस में, दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये मुंह बोली भी हो सकता है, जैसे कि मैं फर्स्ट दिन में भी बोल रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या ओरल हो सकता है। हाँ, एकदम ओरल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग भी हो सकता है, बट एक ही मैटर है कि अगर कभी भी कुछ कोर्ट में बात जाए तो वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण प्रूफ करने का रीजन अगर आ जाए, ओरल कॉन्ट्रैक्ट में टेक्निकलिटी का इशू आ जाता है,
तब वो क्या हो जाएगा, सब कुछ गुड होने के नाते भी अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। आई होप कि पॉइंट फिर से क्लियर है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो हमारे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप लोग जो भी शहर से हो, ठीक है, जो भी शहर से हो, आप लोग एक चीज देखे होंगे, जैसे मैं अपना कलकत्ता में बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में जो भी बस वाले लोग होते हैं वो आपके वहां पर भी होगा, क्योंकि ये इंडिया का एक बहुत सिंपल सा है, ये लंदन वगैरह नहीं है कि लंदन वगैरह में वो सबको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देख के बस में चढ़ता है, कोई किसी को पूछता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर ना, जैसे कोलकाता का एक फेमस डायलॉग है, कोई भी बस वाला जो लोग कोलकाता से हो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि सबको ना एक चीज बहुत चिल्लाते हैं, हावड़ा 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 हावड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब बस वाले लोग हावड़ा हावड़ा चिल्लाते हैं, मतलब वो बस हावड़ा स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो हम जब फर्स्ट टाइम बचपन में, आज से 10 साल पहले जब मैं कोलकाता आया था, मेरा नेटिव से, मेरा नेटिव है खड़गपुर के पास, झाड़ग्राम बोल के एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल। तो पापा बोला था कि कभी कोलकाता में कोई गुम नहीं होता, इतना बड़ा शहर में गुम हो ही सकता है? तो बोला कि कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो हर जगह से हावड़ा का पास मिलता है। तो सिंपल, वो जैसे ही हावड़ा हावड़ा बोले ना, बस में चढ़ जाना और हावड़ा पहुंच जाना, तो तेरे को आधा बाकी चीज समझ में आ जाएगा। तो ये पापा का सीख था मेरे लिए कि कोई बड़े शहर में कोई गुम नहीं होता, क्योंकि हावड़ा हर कोई पहुंच सकता है, हावड़ा से मेरा घर का ट्रेन मिलता है, मुझे पता है। तो इस तरह से पापा का ट्रेनिंग था। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ना कुछ ऐसा ही है, वो मुंह पे, लेकिन ये इम्प्लाइड में मैं बस इतना कहता हूँ कि अगर वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ना वो कुछ बोलेगा नहीं, वो हावड़ा हावड़ा करेगा नहीं। जैसे टैक्सी, टैक्सी वाले लोग ना चिल्लाते नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, ठीक है, टैक्सी वाले, उबेर वाले, ये चिल्लाता नहीं है। ये इम्प्लाइड है कि अगर टैक्सी जा रहा है, ठीक है, अगर टैक्सी जा रहा है तो आप टैक्सी को खड़ा कर सकते हो और आप टैक्सी में चढ़ सकते हो और चढ़ के आप बोल सकते हो कि भैया यहाँ जाना है। तो टैक्सी वाला मुंह पे कुछ बोल नहीं रहा था, या फिर आपको लिख के भी नहीं दे रहा था कि हावड़ा जाना है, वो टैक्सी बस अपना मीटर को ऑन करके रास्ते में चल रहा था। और ये इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड मतलब ये इम्प्लाइड है, मान लो, ये मान लिया, ये एकदम लीगली मान लो कि जो भी हो रहा है, मतलब जो भी टैक्सी जा रहा है आप उसको खड़ा करके चढ़ते हो, फिर बोलते हो भैया हावड़ा चलो, ठीक है, भैया एयरपोर्ट चलो। तो ये इम्प्लाइड है, दिस इज जस्ट इम्प्लाइड, ठीक है, जिसमें मुंह पे बोलने का दरकार नहीं है, रिटन लिखने का दरकार नहीं है। यही सेक्शन 9 हमें बताता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रियल लाइफ में भी होता है अपने। फिर से अगर मैं थोड़ा सा बचपन वाला बात कर दूं आप लोगों के साथ, वो लड़का लड़की वाला बात, सर बार बार तंग मत हो जाना, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो लड़का लोग स्पेशली ऐसे, मतलब अगर किसी लड़की को जाके कुछ बोला कि क्या मुझे आपसे, आप मेरे दोस्त, आपसे दोस्ती हो सकता है, या फिर क्या आप, मैं आपको पसंद करता हूँ, इस तरह का कुछ भी, फिर लड़की बोलता है हाँ पागल लड़का मार खाएगा क्या, फिर ऐसा बोल के लड़की मानो कि सामने की तरफ चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही लड़की थोड़ा सामने चला जाता है, फिर लड़का पीछे बोलता है कि अगर मुड़ के देखा तो हाँ है, अगर मुड़ के देखा तो हाँ है, अगर नहीं मुड़ के देखा तो ना है, ठीक है, या फिर मतलब यही, मतलब ये इम्प्लाइड है, जैसे ही मुड़ के देख लेता है तो इसका मतलब लड़की के मन में कुछ हुआ होगा तो हाँ है, तो इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं, ठीक है, ये हम लोगों के साथ होता है बचपन लेवल में, आप लोगों के साथ अभी हो रहा होगा, नहीं हुआ तो बाद में होगा, कभी ना कभी जरूर होगा, कोई बात नहीं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जाम्पल दिया है किताब से, ये एक बार देख लेता हूँ। वेन ए कूली इन यूनिफॉर्म, ये तो गजब का है। जैसे आप कोई भी ट्रेन से, व्हेन ए कूली इनफॉर्म यूनिफॉर्म, कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप अ लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज हिम टू डू सो, इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विस ऑफ द कूली डिटेल बाय हिम। कड़ा गजब का बात है, कूली आके आपका ट्रेन से, ट्रेन में आप थे, आपका ट्रेन से सामान को लिया, आप उनको कुछ नहीं बोले, कूली उठा के लेके गया आपको स्टेशन के बाहर तक, टैक्सी तक आपको छोड़ दिया, ठीक है, फिर अब जैसे वो पैसा मांगने आया आपसे, आप बोल रहे हो कि हम आपको उठाने बोले थे क्या, हाँ कान के नीचे खाओगे कुली से ना, जिंदगी में कभी बोलोगे नहीं ऐसा। आपने कुली को बोला नहीं था, लेकिन कुली को रोका भी नहीं था, और कुली जब यूनिफॉर्म में काम को किया था, कुली का यूनिफॉर्म होता है हर एक, मतलब बड़े स्टेशन में आप लोग देखेंगे, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में कुली का एक यूनिफॉर्म होता है, जहां पर कुली का बड़ा डिमांड है। तो अगर वो विथ यूनिफॉर्म आके आपका प्रोडक्ट उठाता है और चलता है, आप भी उनके पीछे पीछे चलते हो, इसका मतलब वो इम्प्लाइड है कि कुली ने सामान उठाया, वो कुछ बोला नहीं कि भैया सामान उठाओ क्या, हाँ कुछ नहीं बोला, इम्प्लाइड है। कुली यूनिफॉर्म में आया, आपका सामान उठाया, सर पे लिया, आप उनके पीछे पीछे गए, वो टैक्सी में सामान रखा, आपने उनको पेमेंट नहीं करने के लिए बोलो क्योंकि आपने उनको ऑफर नहीं किया था, लेकिन वो ऑफर नहीं किया था, लेकिन आपने उनको ना भी नहीं बोला था, इसका मतलब ये इम्प्लाइड है।
ठीक है, दीज आर काइंड्स ऑफ, टैक्सी वाले के केस में भी सेम, कुली के केस में भी सेम, गर्लफ्रेंड सर बोलो बोलो सर, वो कुछ भी अमाउंट मांग सकता है क्या? पुली का जो चार्जेस है, हर एक स्टेशन का अपना रजिस्टर्ड चार्जेस होता है, ऐसे नहीं, वो अगर गलत चार्ज मांगेगा तो आप स्टेशन मास्टर को जाके क्लेम कर सकते हो, और वो कुली रजिस्टर्ड कुली होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी काम नहीं मिला तो स्टेशन में जाके कुलीगिरी करेगा, सबका यूनियन होता है। आउटर स्टेशन में सियाला स्टेशन में जितना कुली दिखता है ना, या मुंबई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में फिर भी ना ट्रेन के बाहर रहता है, मैं न्यू दिल्ली गया था 2-3 बार, न्यू दिल्ली में ना ट्रेन के अंदर चला जाता है, आपको आप जहाँ पर सोए रहेंगे ना, आपको सोते उठाएंगे, बाबू चलिए और सामान दीजिए, अगर आपका नींद बाई चांस नहीं खुला, न्यू दिल्ली में गजब करता है। लेकिन कलकत्ता में ट्रेन के बाहर ही वेट करते हैं, जब तक आप बाहर नहीं आते तब तक नहीं लेते, हावड़ा स्टेशन में जबरदस्ती किया किसके साथ? सर मैं फर्स्ट टाइम हावड़ा जब वापस आई थी मैं घर पे, तो हावड़ा से मेरा ट्रेन तो मतलब जहाँ से बोर्डिंग शुरू होता है ना सर, वहाँ से जबरदस्ती सर ले लेते सर, सर पीछे पीछे वो लोग कर रहा था कि हम ले लेते। तुम उतरने के बाद क्या होगा, दिल्ली में तो मेरे बॉगी में चढ़ के मेरे से सामान लेके चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अगर वो लेके जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, आपको उसमें कुछ। ओके प्लीज म्यूट करो। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, द वर्ड टैसिट मीन साइलेंट, क्या आपका चुप्पी को मैं हाँ समझूं? अगर आप कुछ नहीं कहते हो तो क्या आपका जवाब हाँ है? जैसे वो हम बोलते हैं ना, क्या आप मुझे प्यार करते हो, तो उल्टा साइड में चुप, तो क्या उसका चुप्पी को मैं हाँ समझूं? दिस इज द टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो द वर्ड टैसिट मीन साइलेंट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कॉन्डक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन। ये तो आंखों आंखों का बात हो गया ना, में बात हो जाता है, एग्जैक्टली टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ये, और भी एक गजब का है, आंखों आंखों छोड़ो सर, थोड़ा बिजनेस वाला बात कर लेते हैं। ये एटीएम के साथ होता है, हम एटीएम में जाते हैं, कार्ड एंट्री लेते हैं, कार्ड को निकालते हैं, और कार्ड के पिन वगैरह डालने के बाद मेरा एटीएम से मेरा पैसा निकल के आ जाता है। तो ये एटीएम जो है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे फेमस एग्जांपल है, ठीक है। या फिर another example of tacit contract is where contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to all the hammer in an auction sale. हाँ, ये आप देखे होंगे टीवी वगैरह में, मे भी अगर लाइक किसी के लाइक घर पे बिजनेस वगैरह हो तो मे भी पता हो, जैसे मेरे घर पे मुझे पता है ऑक्शन सेल होता है। ऑक्शन सेल में क्या होता है कि ऑक्शन सेल में जैसे देखना आप लोगों का लॉ का किताब में ना एक हैमर का इमेज होता है, ठीक है, जिसके पास नहीं है बाद में मिलेगा, मैं जो दूंगा या फिर इंस्टीट्यूट से भी जो मिलेगा, एक हैमर का एक इमेज होता है। हैमर का मतलब, वो हैमर क्या काम आता है ऑक्शनियर ऑक्शन हॉल में, जब भी ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन में मानो कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर लिए, सपोज एक प्रोडक्ट का दाम था 1 लाख, गवर्नमेंट ने दिया था, फिर उसमें आपको ऑक्शन लगाना था कि मिनिमम 1000 रुपीज में, तो 1 लाख 1000, फिर 1 लाख 2000, फिर वो देखते देखते 2 लाख चला गया, तो जैसे ही 2 लाख चला गया उसके बाद गवर्नमेंट बोल रहा है कि 2 लाख 1000, 2 लाख 2000, बट नो वन इज देयर टू बिड अनदर टाइम, तो क्योंकि वहां पर और कोई नहीं था और कोई बोली लगाना पसंद नहीं कर रहा था, तो इसने क्या किया, हैमर दबाना चालू कर दिया, और जैसे ही उसने हैमर दबाना चालू कर दिया, वो हैमर जैसे ही ऑक्शनियर ने डाल दिया, इसका मतलब यही हुआ कि वो प्रोडक्ट सेल हो चुका है ऑक्शन हॉल में, ठीक है। मतलब कुछ बोले बिना, ऐसे नहीं कि इस पर्टिकुलर बंदे को ये चीज बिका जा रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सेल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा करके नहीं चिल्लाता है ऑक्शनियर हैमर मार देता है ढप 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 करके, इसका मतलब वो हो जाता है कि टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। आज मैं इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट दिन ये फॉर्मेशन का क्वासी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही कर देते, उसके बाद नेक्स्ट दिन से दूसरा चालू करेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अनदर, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इज रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। एक्चुअल में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रियल में एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, यही फेमस एग्जाम्पल होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। सपोज आपका
आप रास्ते में चल रहे थे और चलते हुए आपको किसी का मनी पर्स, ठीक है, या वॉलेट आपको मिला। जैसे आपको वो मनी पर्स या वॉलेट मिला, आपने क्या सोचा कि आज तो दिन अच्छा है, वॉलेट मिला तो क्यों ना मजे से आज खाना खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। लीगलिटी क्या कहता है जानते हैं? लीगलिटी कहते हैं कि लॉ कहते हैं कि वो जो मनी पर्स आपको मिला वो जिसका है वो आपको पता लगाना है। होगा, मनी पर्स में हर एक का कुछ ना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है जिसके आपको पता चलता है कि वो किसका मनी पर्स है, किसका वॉलेट है, और उस पर्टिकुलर इंसान को ढूंढ के आपको वो चीज़ देना पड़ेगा। अब किसी के मन में आ सकता है, हमको पागल दिख रहा है क्या सर कि किसी और का पर्स गिरा है, मैं उसको ढूंढूं फिर दूं। सर, एक सच्चा सिटीजन को तो ये करना चाहिए, तभी जाके तो देश देश बनेगा, तभी तो एक इंडिया इंडिया बनेगा। हाँ, अगर हर कोई हर एक गिरा हुआ चीज़, चोरी हुआ चीज़, चोरी किया चीज़ लेने के लिए पागल हो जाए तब इंडिया इंडिया नहीं बन सकता। हर किसी को एक सच्चा नागरिक तो बनना ही है। सबको महान नागरिक नहीं बनना है, पर एटलीस्ट ट्रू नागरिक बन सकता है। अब बात करते हैं लॉ का। लॉ ट्रू नागरिक बनने के लिए, एक ट्रू सिटीजन बनने के लिए ही आपको मौका देता है। तो मौका में लॉ क्या कहते हैं? लॉ का कहना है कि अगर आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है, आप उस बंदे को ढूंढ के उनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचा दो। अगर आपको उस प्रोडक्ट को पहुंचाने में खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंस आप उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए उस पर्टिकुलर बंदे को आप करेंगे, बंदे के लिए आप करेंगे, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए आप करेंगे, वो खर्चा आप उनसे क्लेम कर सकते हो। अगर वो बंदा वो आपका एक्सपेंस देने के लिए आपको रेडी ना हो, तो फिर आप कोई भी लोकल आप केस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली पुलिस थाने में जाएंगे तो केस हो जाएगा कि भाई मैंने उनका प्रोडक्ट उनको पहुंचाया और उनको पहुंचाने के लिए मेरा 1000 नहीं, यू हैव टू प्रूव दैट उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली पहुंचाने में आपका 1000-2000 जो भी खर्चा हो या 2 लाख जो भी खर्चा हुआ हो, अगर वो हुआ है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। और अगर वो पर्टिकुलर इंसान वो क्लेम नहीं मानता है और आपको वो पेमेंट नहीं देना चाहता, तो आप उस पर कोर्ट में केस शो कर सकते हो। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, जैसे आपको कोई भी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स दिखता है और जैसे आप उसको हाथ में उठाते हो, वो अननोन इंसान के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और आपको वो कॉन्ट्रैक्ट निभाना ही पड़ेगा, बाई हुक और क्रूक निभाना ही पड़ेगा। ये न्याय है, यही सिस्टम है, ठीक है। कोई बोलेगा सर हम लोग तो ऐसे करते नहीं, नहीं सर, कोई कोई करता है। जैसे आप लोग खबर वगैरह में देखेंगे, ये टैक्सी वगैरह में किसी किसी का कोई कोई कभी कभी कोई मनी का पूरा अटैची भर्ती मनी रह जाता है, कैश रह जाता है, फिर वो टैक्सी वाला पहुंचा देता है। मैक्सिमम केस में अगर किसी को ऐसा मिलता है वो मार लेता है, लेकिन ऐसा भी इंसान दिखता है वो खबर में आता है, वो न्यूज़ में आता है। तो ये केस की मतलब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक ही बात याद रखना, अगर आपको फाइंडर ऑफ गुड्स ऐसे दिखता है, तो जैसे ही आपने वो गुड्स को हाथ में उठाते हैं, वो जैसे ही आपने हाथ में उठाया और आप खुद कंजम्पशन के लिए सोचे, तो वो इलीगल हो जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा, उसके साथ आपका तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये देखो यहाँ पर ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉट्स गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रिपे इट बैक कैनॉट बी सेड टू रेज As there is consent, these are said to be a quasi-contract. मतलब चाहे कितना भी गहरा जगह में वो बंदा रहे ना, आपको वो चीज उन तक पहुंचाना है किसी भी करके, ठीक है। ये है quasi-contract. Quasi-contract का और एक examples भी ले सकते हैं। Quasi-contract एक famous और एक example हम लोग बता सकते हैं। जैसे मानो कि आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके आप एक टेबल लेके आपका जो फ्रेंड सर्कल है आप लोगों ने बैठ, मानो कि आप लोग 3 दोस्त मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, लेकिन जैसे ही आपने खाना खाने गए थे तो उसमें दूसरा मतलब आप लोग वो टेबल में जाके बैठे जहाँ पर 2 मिनट पहले कोई और बैठा था, और वो लोग ना ऑर्डर देके मतलब कुछ अर्जेंसी आ गया, वो पहला वाला ग्रुप जो ऑर्डर दिया था लेकिन ऑर्डर देके निकल गया, और फिर जब आप लोग बैठे तो जो जो सेल्स पर्सन था उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का जो वेटर था, वो बात को उतना ध्यान नहीं दिया कि भाई लोग अलग हो गया, चेंज हो गया, और जैसे ही खाना आया आप लोगों ने गपा गप खाना खा लिया। आपको लगा था कि होटल ने फ्री में बांट रहा है, कोई भी आता है तो उसको खिला रहा है, ठीक है। आपने जैसे ही खाना, आपको पूछना चाहिए था, लेकिन जैसे आपको खाना खा लिए और फिर वो होटल वाला आके वेटर आके आपको बिल थमा रहा है 2000-5000 का, फिर आप बोल रहे हैं कि खाना हम थोड़ी ना ऑर्डर किए थे, जो पैसा मांगने आ गए। हाँ बेटा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप ऐसे खा लेते हो या पी लेते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। चाय की दुकान में
ये रस्ते में जो चाय के दुकान होता है ना, अपने कोलकाता में मैं दिखता हूँ, ये चाय के दुकान वाले ना चाय में भाड़ में चाय डाल के ना रख देता है, और जो भी चाय वाला चाय पीने के लिए, चाय खाने के लिए, पीने के लिए जाते हैं ना, वो चाय वहां से भाड़ को उठा के चाय पी लेते हैं। ऐसे नहीं पूछते कि भैया एक चाय दो ना, बहुत कम केस में पूछते हैं, वो बस ऐसे ना लगा के रखता है। स्पेशली कोलकाता का जो बिजनेस एरिया है लाइक डालाउजी, बीबीडी बाग, सेंट्रल एवेन्यू वाला जोन में, वो चाय भाड़ में रखते हैं और वो तुम उठा के पी लेते हो, ना तो तुम उनको पूछे ना वो तुमको बोला, ठीक है, तो आप पिया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, सिंपल थिंग है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट में आता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। ई कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू से जैसे ये अभी क्लासेस कर रहे हो, ये भी ई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब लोग फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू से जब कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो भी ई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, इसको साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन ये मतलब रियल लाइफ में आज के डेट में वन ऑफ द मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस का सिनेरियो है, और इसीलिए आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक लेवल में क्या हो रहा है ये बहुत बड़ा बिजनेस का मुद्दा है। इसलिए ई कॉन्ट्रैक्ट समझना तो बड़ा आसान है, ई कॉमर्स रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसका रियल लाइफ यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग ट्रेडिशनल लेवल में बिजनेस करते हैं, जो लोग ट्रेडिशनल सोच का रखते हैं, वो लोग आगे जाके मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक मैटर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये था ई कॉन्ट्रैक्ट का मैटर। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है ये नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन आप लोग अभी मत चाहिए, मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट थोड़ा वार्तालाप करूंगा, कुछ बातें करना है, थोड़ा शेयरिंग में बंद करता हूँ। देख पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ सर। ओके बोलो, क्लास समझ में आया? यस सर। लास्ट में एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो सर। वो जो मनी पर्स मिलने का बात आपने बोला था, तो मान लीजिए किसी का मनी पर्स मिला, उसमें मान लीजिए 60,000 रुपया था, तो वहां से कोई क्या फोन किया उसको कि आपका मनी पर्स मुझे मिल गया है, तो मिला था क्या? नहीं हाँ सर, मिला था एक बार। अच्छा बोलो क्या? तो मैंने क्या किया था, तो उसमें 10 या 15,000 रुपया था, अभी 2,000 रुपया मैंने बोला कि आप कम है ले ली, यहाँ पे 15,000 या 13,000 था, मैंने बोला कि 2,000 कम है उसको बोला, तो बोला नहीं मेरा तो म्यूट करो ना कोई एक बार सुनने दो तो। आप बोलो क्या हुआ? 10,000 था ना, 10,000 या 12,000 या फिर 15,000 था, 10 के 15 के बीच, ठीक है। अच्छा, तो जो था तो मैंने उसको फोन किया कि आपके पास जो पार्ट्स यहाँ पे गिर गया है तो इसमें इतना रुपया है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं इतना नहीं, उससे थोड़ा 2,000 ज्यादा था। तो अच्छा, क्या हुआ था, मैं सोचा था कि 2,000 मेरे को मिल जाएगा, और उसने कहा कि उसका पैसा हिसाब का पैसा है, तो उसने आया तो मुझसे पूरा ले गया, और मेरे को कुछ दिया भी नहीं, कुछ मिला भी नहीं। तो अभी क्या मैं अगर 2,000 ले लेता तो क्या मुझ पे क्लेम कर सकता है कि उसने मेरा 2,000 लिया? पहला बात तो मुझे क्या, पहला बात अब मृत्युंजय हो ना? हाँ। ओके मृत्युंजय, पहला बात आप दो आप मुझे एक चीज बताओ, वो बंदा खुद आके आपसे लेके गया था पर्स? हाँ, मैं तो खड़ा रहा था और वो आया था। ठीक है, तो अगर आप वो खुद आके आपसे पर्स लेके गया था, उस पर आप उनसे कुछ नहीं क्लेम कर सकते ना, क्योंकि उसको वो पर्स पहुंचाने में आपको कुछ खर्चा हुआ था थोड़ी? नहीं नहीं नहीं। तो फिर अगर आपका कुछ खर्चा होता, अगर 2,000 होता, 200 होता, आप उतना ही क्लेम कर सकते हो जितना आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंचाने के लिए आप खर्चा करेंगे। अगर उसका पर्स आपको मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे क्लेम करोगे। ये तो एक सिटीजन, एक गुड सिटीजन का ये बिहेवियर नहीं हो पाएगा। आपको अगर किसी का चीज मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे वो बुरा इंसान हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी का चीज मिलता है, अगर वो चीज उन तक पहुंचाने का आपका कोई खर्चा नहीं होता, तब उससे आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप वहां से मतलब बाय चांस 2,000 रख भी लेते तो ये बहुत बड़ा गलत होता। अच्छा, वही पूछ रहा था। ठीक है, बहुत बड़ा गलत होता। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सपोज मानो कि आपको नॉर्थ कोलकाता में मिला था, आपको साउथ कोलकाता में उनको पहुंचाना था, और उसको पहुंचाने में आपको मिनिमम जो भी कॉस्ट है, टैक्सी में गए या फिर जो भी करके गए, अगर 500 का खर्चा होता तो 500 रुपये आप क्लेम जरूर कर सकते थे उनसे, ये अगर वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं किया आपने तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा इलीगल बात हो जाएगा। अच्छा, वही पूछ रहा था क्या इलीगल है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछो। एनीवन, किसी को कुछ नहीं पूछना है?
हेलो यस सर नहीं सर किसी को कुछ भी नहीं पूछना है पूछो तो सही अरिजीत कुछ पूछना चाहते हो बोलो अरिजीत नो सर समझ में आ गया ओके जिसके पास भी ये कॉपी नहीं है मैं उसको शेयर करूंगा सहयोग किसी जिज्ञेस कर भी हेलो सहयोग হ্যাঁ স্যার না এরকম আমার জিজ্ঞেস করবো না কিছু কিন্তু আমার এরকম হয়েছিল আমার মোবাইল হারিয়ে গেছিল আপনার আগের বছর বুঝলেন আচ্ছা তো মোবাইল মানে বাসায় আমি টেলি ক্লাসে যাচ্ছিলাম তো মোবাইল হারিয়ে গেছিল তারপরে আমার মানে আমি গেছিলাম ওটা আনতে পাণ্ডবে হারে তো আমার কাছ থেকে 500 টাকা নিয়ে নিয়েছিল ওটা ইলিগাল ওটা নিতে পারে না তার মানে দ্যাট পার্টিকুলার পারসন ইজ নট আ গুড সিটিজেন ঠিক আছে বেসিক্যালি মতলব এরকম মানে ইস তরহ কা লোক বহুত হোতে আপনে কান্ট্রি মে जो दो दो मिनट में अपना फायदा सोचता है इसीलिए तो इंडिया बार बार बिक जाता है दूसरे के सामने यही यही दिस इज द मेंटेलिटी कि ब्रिटिश हम पे 200 इयर्स राज किया दिस इज द मेंटेलिटी कि अगर किसी को ब्रिटिश लोग 2000 दे देता ना तो हम लोग बिक जाते थे उससे पहले जो मुगल आया था कोई भी जो भी फॉरेन कंट्री हम लोग बार बार लूट के गया ना इसका मेन रीजन यही है कि हम लोग दो दो रुपए में बिक जाते हैं आज के डेट में इंडिया का जो हालत खराब है ना इकोनॉमी का इसका रीजन एक ही है कि हम लोग दो दो रुपए में बिक जाते हैं चाहे जरूरत का कारण हो चाहे बिना जरूरत का कारण हो मतलब तो बिकने वाला एटीट्यूड ना जब तक नहीं जाएगा मैं आपको लिख के देता हूँ ठीक है कि इंडिया कभी नहीं सुधरेगा और हम सबका इकोनॉमिकल कंडीशंस कभी नहीं अच्छा होगा और ये कोई भी कितना भी सोच ले कि एक डेवलप इंडिया बनाएगा कभी नहीं बना सकता सबसे पहले ना मतलब ये जिसको बोलते हैं ना सेल्फ रेस्पेक्ट इज द फर्स्ट एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जब तक नहीं बनेगा आगे कुछ नहीं बन सकता शायद मेरा बात आप लोगों को दूसरा टाइप में लग सकता है बट दिस इज हार्डकोर ट्रूथ और इसमें अगर किसी को लगे कि भाषण है तो भाषण ही सही बट दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी शुड बी इन एवरी पर्सन की भाई सेल्फ रेस्पेक्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है ओके सर और किसी को कुछ बोलो हेलो अरे बोलो सबने तू क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेरी क्लास अटेंड करने आ गया तेरा क्लास शाम को होगा इंटरमीडिएट का क्लास शाम को है 6:30 बजे से होगा इसी पे मेरे को ऐड कर लेना इसी के फोन से मेरा क्या जॉब है फाउंडेशंस में कोई अलाउड नहीं इंटर का स्टूडेंट्स का अरे नहीं मतलब मेरे को जब कॉल करोगे ना इसी के फोन पे कर लेना अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अभी तू जा अभी मैं सवाल ले रहा हूँ तू जा और कोई बोलो ठीक है तब मैं मीटिंग आज कंप्लीट करता हूँ अगर फिर ठीक है हाँ बोल 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 जे आ बोल ची आगे दिन जेटा पढ़ लेन माइक्रो इकोनॉमिक्स उटा क्या आवर रिपीट हो बिना क्यों उटा हो बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने रिवीजन से मैंने एक टू कोरी दिया मैं प्रत्येक दिन ही क्लासेस लगे हर दिन क्लास से पहले मैं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ ठीक है ऑब्वियसली एकदम पूरा रिपीट नहीं होगा बट थोड़ा सा अगर किसी का मिस है तो बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगा 2-4 दिन बाद में जिसका जो भी क्लासेस टॉपिक मिस हो जाएगा उसका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और वो वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा ksgsquared.in आप लोग वेबसाइट लिख के रख लो मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर लूंगा ksgsquared.in में आगे आगे क्लास भी मिलेगा आप लोग वही का मैंने वही सब्जेक्ट आवर कोई पढ़ाने से जिज्ञेस कर छिला हमें रूटीन दिए दो और अनेक सब्जेक्ट আছে ঠিক আছে ইকোনমিক্স আছে ল আছে বিজনেস কমার্শিয়াল নলেজ আছে ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট আছে আমি সবে রুটিন দিয়ে দেবো এখন আপাতত ল আর ইকোনমিক্সটাই করাচ্ছি আই হোপ কি নেক্সট ক্লাস হবে ইকোনমিক্সই হবে আমি আস্তে আস্তে সবই রুটিন দিয়ে দেবো হ্যাঁ ওটাই দিয়ে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট ক্লাস স্যাটারডে নেক্সট ক্লাস স্যাটারডে 10 বাজে ওকে ঠিক আছে স্যার ওকে ঠিক আছে চলো हेलो सर एक क्वेश्चन है हेलो हाँ बोलो बोलो कौन हेम हेम हाँ हाँ ओके हेम बोलो बोलो सर तब से पूछ रहा हूँ किसका सवाल है करो जैसे कोई कंपनी सर शेयर खरीदा टाटा से कोई शेयर खरीदा और मतलब उसको मतलब शेयर खरीद का और पेमेंट की बात है तो नेटवर्किंग इश्यू बना के उसको पेमेंट नहीं किया और एक बार करो प्लीज आवाज नहीं आया प्रॉपरली रिपीट करो एक बार प्लीज कोई कंपनी छोटा सा फर्म जो है सो बड़े से फर्म से मतलब शेयर खरीदा अच्छा और पेमेंट की बात में वो नेटवर्किंग इश्यू बना के मतलब पेमेंट नहीं किया
अच्छा कौन पेमेंट नहीं किया? छोटा सा फर्म मतलब शेयर खरीदा था, काम जो था वो टाटा का, टाटा कंपनी को पेमेंट नहीं किया। हाँ तो क्या मतलब टाटा कंपनी इस पर डायरेक्ट क्लेम कर सकता है लीगली रूप से? हाँ, पहला बात, अगर टाटा कंपनी का शेयर, तो टाटा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और स्टॉक मार्केट के थ्रू से शेयर परचेस कर रहा है, तो जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक शेयर मिलेगा ही नहीं। वो भी है, ठीक है, तब तक शेयर मिलेगा ही नहीं। और अगर आप बोलते हो कि फिर भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि कंपनी ने शेयर दे दिया, ठीक है, और पेमेंट नहीं किया, तो ऑब्वियसली टाटा कंपनी बाद में जरूर क्लेम कर सकता है, अगर आप लीगल मैटर पे बोलो। लेकिन मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ कि जब तक पेमेंट नहीं होता, जैसे हम लोग जो स्टॉक मार्केट में, हम लोगों का क्लासेस होता है अलग से स्टॉक मार्केट का, हम लोग वहाँ पर सिखाते भी हैं, और हम लोग जो लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, हमारा बहुत सारा स्टूडेंट है जो इंटरमीडिएट लेवल में है, ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी पता है कि कभी भी अगर आप कंपनी का शेयर परचेस करते हो ना, तो कंपनी का शेयर आप परचेस करोगे तभी जाके, जैसे मानो कि एक प्लेटफॉर्म होता है ब्रोकर का, वो ब्रोकर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से जैसे आप पर्टिकुलर कंपनी का शेयर को परचेस करोगे, परचेस करने के बाद ही आपको कंपनी का शेयर आपके अकाउंट में शो होगा, तो उसके बाद ही जाके आप कंपनी का शेयर होल्डर बन सकते हो। ओके ओके हेम, हाँ सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? मैं रिकॉर्डिंग बंद करने वाला हूँ, किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, और 5 मिनट रहूंगा। हेलो, साउंड क्लियर नहीं है, सुनते बात बोलूँ बोलूँ কিছু ইকুইপমেন্টের প্রবলেম আছে, ওটা আপনি রেকর্ডেড পাবেন, তবে নেক্সট উইক থেকে পাবেন অ্যাকাউন্টেন্সি আর ম্যাথমেটিক্স এর ক্লাসগুলো রেকর্ডেড পাবেন, ওটা লাইভ পসিবল এই মুহূর্তে হবে না, তবে রেকর্ডেড অবভিয়াসলি ডিটেইলসই পাবেন। আমার যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট আছে এইখানে, অনেকেই আছে যারা এক্সিস্টিং, যারা লাইভ আগে পড়াও করছে, পুরো রেকর্ডেড ভাবেই করছে, আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব, ঠিক আছে? যদি আরো কিছু ডিটেইলস জানতে হন তাহলে আলাদাভাবে ফোনে কথা বলে নেব এই ব্যাপারে, ঠিক আছে? ফোন করে নেবেন, কথা বলে নেব, এই টপিক রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন, যে সাবজেক্টটা পড়ালাম সে রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে করুন। এখন কাজ করছে অন্যান্য ক্লাসগুলো আছে, আমি ওই জন্য কনফার্ম করতে পারছি না, শিডিউল নেক্সট উইক থেকে কনফার্ম হয়ে যাবে, তবে মোটামুটি একটা জানিয়ে রাখলাম মন্ডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে এরকমই থাকার কথা। ओके बाय एवरीवन, किसका कोई सवाल है नहीं है, फिर मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। बाय सर, ओके बाय बाय सर, बाय, ओके।